कूपन मिलेगा? लाइट को प्रभु आगे लगाइए, चेहरे के आगे। जी बिल्कुल, गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्कार, कैसे हैं गुरु जी? आशीर्वाद है आप सभी का। ऐसा मत बुला करिए आदत पड़ गई है हमारी तो, जी। जी और आदत तो आसानी से छूटती नहीं है ना। क्या ट्रैफिक है, क्या चल रहा है? गुरु जी, आज गूगल एडसेंस का मेरे पास ईमेल आया फिर से सुबह 8 बजे, तो हाँ, उन्होंने यही लिखा है कि भाई पॉलिसी आपकी गड़बड़ है, पॉलिसी कम वो तो ठीक हो कर दी। जाएगी। एडसेंस की तो हमने सवाल ही नहीं पूछा आपसे, हम तो सिर्फ हाँ, ये पूछ रहे हैं कि ट्रैफिक की क्या हालत है। ट्रैफिक का हाल मतलब चल रहा है, मतलब दिखाऊं क्या आपको? नहीं बताइए बस। ठीक ठाक मतलब है नहीं, मतलब जैसा है वैसे ही चल रहा है। सोशल सोशल मीडिया पे आप शेयरिंग नहीं कर रहे हैं क्या? मीडिया पे बाहर सारे पोस्ट करता हूँ, सारे पोस्ट, हैशटैग वगैरह सब डाल के? अच्छा, हाँ ट्रेंडिंग हैशटैग भी लगा देता हूँ और उस पोस्ट से रिलेटेड हैशटैग लगा देता हूँ। जरूरी मैं वो पब्लर यूज करता हूँ, कहीं उसकी वजह से तो ऐसा नहीं है? अच्छी पब्लर में तो, पब्लर तो अच्छी चीज है, चीज है ना, पब्लर तो अच्छी चीज है। नॉर्मल करने में भी तो मुश्किल से 1 मिनट ही लगता है ना। हाँ नॉर्मल करने में। जैसे क्या है कि अब ट्विटर पे करेंगे, फेसबुक पे करेंगे और अलग अलग करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें। जी अजी हाँ, जी 1 मिनट भी नहीं लगता है, जी 1 मिनट भी नहीं लगता है। अच्छा, अलग अलग करने में भी 1 मिनट नहीं लगेगा? अच्छा क्या कर, बिल्कुल नहीं लगेगा। और लाइट को आगे लगाइए और लाइटों की संख्या बढ़ाइए। हाँ गुरु जी, मैं ये मेरी शॉप है ना, तो एक्चुअली क्या अभी लाइट पीछे लगा रखा था, अब अभी तक से जरूरत पड़ती है तो मैं आगे लगाऊंगा इसके ऊपर। अभी आप हाँ, आगे लगाइए लाइटें और थोड़ा सा इसको डेकोरेट कीजिए, जी, और डेकोरेट कीजिए, और बहुत कम पैसे में डेकोरेट हो जाता है। अच्छा वो सिर्फ मन की भावना होती है, ये जी मन की भावना होती है ना। एकदम जैसे अब हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, राइट? जी आपने क्या, बैकग्राउंड लगा रखा है ना, हाँ, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ये ना। कैसे होता है? ये कोई ऐप से कर रहे हैं क्या गुरु जी? नहीं, ये तो जूम के अंदर ही फीचर होता है, आपके जूम में भी है। आप जब वीडियो पे जाते हैं, वीडियो के पास एक एरो होता है, एरो पे क्लिक कीजिए, वर्चुअल बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए, अभी हो जाएगा 2 सेकंड में, और बस चेहरे के आगे अच्छा, लाइट लगा लीजिए। वीडियो वर्चुअल बैकग्राउंड। अच्छा मैं भी ट्राई करता हूँ, देखता हूँ बिल्कुल कीजिए। हाँ, ये बैकग्राउंड है, इफेक्ट्स आई डोंट हैव ग्रीन स्क्रीन, ये वर्चुअल। अच्छा यहाँ से हम गूगल से डाल सकते हैं कोई भी ना, कोई भी इमेज तो उसके अंदर होगा भी कुछ ऑप्शन, तो आ रहा ऑप्शन होगा ना, एक दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक आ रहे होंगे। नहीं है, वीडियो फिल्टर्स। अच्छा हाँ आ गया, इसमें आ गया, वर्चुअल बैकग्राउंड में ऑप्शन होगा कुछ। हाँ वर्चुअल आ गया इसमें, ये अगर इसको मैं लगाता लगाइए। हूँ आया कुछ? अच्छा कुछ तो आया है, करके देखिएगा, एक्सपेरिमेंट्स हो जाएगा धीरे धीरे। और भी हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। गुरुजी, आज क्या थीम आप कुछ बता रहे थे ना? आज हमारा थीम है बिल्कुल बेसिक डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे हम। बिल्कुल शुरुआत से शुरू किया है आज हमने, हर एक 3 महीने बाद हमारा जो है बिल्कुल शुरुआत से होता है। लास्ट क्लास में बबरी, गुरु जी आपने बोला था ना, वो क्या बोलते हैं, वो संजय दोबारा दोबारा वाला जो पोस्ट था, आपने बताया था ना कुछ किस हाँ प्रकार से बताएंगे?
मैंने कोशिश किया लेकिन वो मतलब एक जो उसका सिस्टम है प्रॉपर वो समझ नहीं पाया कि कैसे फॉलोअर पड़ेंगे। ऑटोमेटिक बढ़ते हैं उससे, ऑटोमेटिक। अच्छा आज सब बताएंगे थोड़ा थोड़ा, और फिर बाद में आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी ले लेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। जी। और सुशील जी आज पहली बार जुड़े हैं, स्वागत है सुशील जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति काफ़ी दिनों बाद आई हैं, चेतन जी काफ़ी दिनों बाद आए हैं, सलीम जी के साथ तो बातचीत होती रहती है। तो अभी हमारे पास टाइम हो गया है, सभी लोगों का स्वागत है। और मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा एक एक्टिविटी करके दिखाऊंगा, और उसमें कितना टाइम लगता है ये सब आप देखेंगे। उसके बाद हम आज का बेसिक जो है लेसन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चंस आपके जो भी आते जाएं उनको आप लिखते जाइएगा, सारे क्वेश्चंस मैं आपके लेने वाला हूँ, एंड में कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरी बैटरी हल्की सी डाउन है, बट वो आपके उत्साहवर्धन से ना चार्ज हो जाएगी, आप लोगों के उपस्थिति से एकदम बैटरी चार्ज होने वाली है मेरी। तो अभी बज रहे हैं हमारे पूरे के पूरे 7। अब मैं एक नई ब्लॉग पोस्ट लिखूंगा आप लोगों के सामने, बढ़िया क्वालिटी की, उसका SEO भी करूंगा और उसको शेयर करके भी दिखाऊंगा, उससे आपका मोटिवेशन होगा कि कितनी जल्दी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। एक मोटिवेशनल एक एक्टिविटी हो जाएगी और इस दौरान आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो हम खोलते हैं अपना WP एडमिन वेबसाइट का। मेरी अगर स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। और यहां से हम न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू न्यू पोस्ट, और एक मोटिवेशनल ब्लॉग पोस्ट में लिखने वाला हूँ चैट जीपीटी की मदद से। चैट जीपीटी फ्री वाला 3.5, उसको यूज करेंगे अपन लोग। और यहाँ से मैं इसको राइट करने वाला हूँ फटाफट से, क्रिएट अ ब्लॉग दूसरे लोग क्या बोलते हैं इससे तब फर्क पड़ता है जब हम उनके विचारों को जब हम उनके विचारों को स्वीकार जब हम उनके विचारों को स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग माइंड सेट से आगे बढ़ें तो सक्सेस हमारी होगी। ये ब्लॉग लिख देगा अपने आप, वो देखिए हिंदी इंग्लिश मिक्स मारेगा अभी, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा ही लिखते दिखाया था उसको। तो मीन वाइल हमें कैनवा में जाएंगे समय का फायदा उठाते हुए, और यहाँ पर एक मोटिवेशनल क्रिएटिव ले लेंगे। जब तक वो चैट जीपीटी अपना काम करेगा मैं यहाँ पर अपना ब्लॉग लिख दूंगा, राइट। यहाँ पर अपनी इमेज हम बना लेंगे और यहाँ पर हम कुछ लिख देंगे। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग। ये हमने यहाँ पर चिपका दिया। और इस तरह के सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होते हैं, इसको डाउनलोड करेंगे फटाफट से, PNG की जगह JPG और 20। 7:03 हो गए, काफ़ी प्रेशर है मेरे ऊपर। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, टाइप कीजिए यस अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो। ओके ग्रेट जॉब। अब चलते हैं चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी ने एक ब्लॉग लिख दिया है बहुत सुंदर सा, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ डाल देंगे टाइटल दूसरे लोग क्या बोलते हैं, द पावर ऑफ माइंड सेट इन अचीविंग सक्सेस, वेरी गुड। यहाँ पर कॉलन लगा देंगे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में पहला लाइन,
और यहाँ से इसको हम जो है कॉपी करने वाले हैं पूरा, और यहाँ चिपकाने वाले हैं। स्टार्टिंग में वापस करेंगे, यहाँ पर एंटर मारेंगे, यहाँ पे इमेज लेकर आएंगे। बाद में आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को आएगी नहीं। थोड़ा मैं अपनी नेचुरल स्पीड से जा रहा हूँ कमेंट्री करते हुए। ठीक है, तो ये हमने जो इमेज है यहाँ पे लगा दी, वो बड़ा कर लेंगे। अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई। चलिए खैर कोई बात नहीं, और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे, पेंसिल पर क्लिक करेंगे और ALT टेक्स्ट डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी रहेगा हमारा मोटिवेशन, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, कोट, शायरी, एटीट्यूड, कुछ ऐसी चीज़ें लोग सर्च करते हैं, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर हम ये डाल देंगे फीचर्ड इमेज के पीछे। अब क्योंकि हमें इसका बढ़िया तरीके से थोड़ा SEO करना चाहिए, तो उसका तरीका ये है कि इसको हम फटाफट से हेडिंग बनाएंगे। इसको भी हम जो है हेडिंग बनाएंगे, इसको हेडिंग 3 बनाएंगे, इसको भी हेडिंग 3 बनाएंगे। SEO के लिए ये ज़रूरी है, थोड़ी सी देर ज़्यादा लग जाती है, बट लॉन्ग टर्म में ये हमें बहुत फ़ायदा देता है SEO के हिसाब से। ठीक है, तो इसको भी हम जो है हेडिंग यहाँ पर 3 बना देंगे। एक तरीके से हमारा ब्लॉग पोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब इससे पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है हमारा लीड मैग्नेट, यानी कोई पढ़े इसको आए तो गूगल से पैसा आएगा। गूगल से यानी के अलावा हमारे कोर्स में भी वो बंदा आ सकता है। उसके लिए हमने इसके पीछे ये पूरी मार्केटिंग का रेडीमेड जो बनाया हुआ है वो सब लगा दिया, और इसी में इंटरनल लिंक और जो है एक्सटर्नल लिंक, आउटबाउंड लिंक सब लग गए। ठीक है, टाइप करते रहिए यहाँ पर फॉर्मेट इमेज, और उसके बाद इसको पूरा कॉपी करेंगे टाइटल को, और यहाँ पर फोकस की फ्रेज में इसको डाल देंगे, और यहाँ पर भी इसको डालेंगे। और यहाँ पर इसको लिख देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे एटीट्यूड, शायरी, लाइफ स्किल्स, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, कोचिंग, गाइडेंस, ऐसी कुछ चीज़ें लिख देंगे जो लोग गूगल पर सर्च करते हैं। और हमारा SEO एकदम परफेक्ट हो चुका है। की फ्रेज थोड़ा सा 5 है बड़ा, तो दूसरे लोग क्या बोलते हैं, तो इतना तो हमें चाहिए। ग्रीन हो गया SEO पूरा, हमारा सारा ग्रीन है। ये ग्रीन इसलिए हुआ है क्योंकि हमने हेडिंग्स को यहाँ पर बोल्ड किया था, तो अभी एकदम सब कुछ ग्रीन ग्रीन है। इसको हम कर देंगे पब्लिश। पब्लिश करने के बाद यहाँ पर हम गूगल सर्च कंसोल भी खोल लेंगे। गूगल सर्च कंसोल खुल जाएगा, और मीन वाइल यहाँ पर हम अपना जो है ब्लॉग भी पब्लिश हो चुका है, इसको यहाँ से ओपन करेंगे, इसका लिंक URL उठा लेंगे और गूगल सर्च कंसोल में डाल के पब्लिश करेंगे। यहाँ से पब्लिश कर दिया, रिक्वेस्ट कर देंगे, तो कुछ दिनों बाद आप गूगल में डालेंगे ना, दूसरे लोग क्या बोलते हैं, तो हमारा ब्लॉग जो है रैंक करता हुआ नज़र आ जाएगा आपको, इतना हमें कॉन्फिडेंस है। 7:08 हुए हैं, और अब इसको हम सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, और सब जगह शेयर करेंगे, फेसबुक में भी करेंगे, ट्विटर में भी करेंगे, लिंक्डइन पे भी करेंगे, और पिंटरेस्ट पे भी करेंगे। मेरे पिंटरेस्ट पे भी अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, आज आपको दिखाया जाएगा पिंटरेस्ट। उसको भी आप अपनी रणनीति में शामिल कर लीजिए, पिंटरेस्ट को भी अपनी रणनीति में शामिल कर लीजिए। सबसे पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाएंगे, और यहाँ पर हम क्रिएट पोस्ट करेंगे, और एक साथ कई जगह काम कर सकते हैं। ट्विटर पर पोस्ट पर क्लिक कर देंगे, लिंक्डइन पे भी होम पेज पर जाके क्लिक करेंगे। बहुत तेज़ी से काम कर रहा हूँ, बाद में रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम लिंक्डइन में अपलोड कर दिया है, और यहाँ पर हम लिख देंगे कुछ भी, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन,
कुछ इस तरीके से लाइफ स्किल्स, इन चीजों पे ही ज्यादा ट्रैफिक आता है, लाइफ एनर्जी सक्सेस मेक मनी, ये हमने कॉपी कर लिया और ये लिंक्डइन पर हमने इसको पोस्ट कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर हम करने वाले हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगह चला जाएगा ये पोस्ट यहाँ से। ये क्या हो गया, इसको कॉपी किया और यहाँ लेकर आए, तो ये पोस्ट जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगह यहाँ से चला जाएगा, मेटा से। मेटा के अंदर पोस्ट कर रहा हूँ मैं, मेटा टाइप कीजिए, मेटा META मेटा। और इसी दौरान हम ट्विटर पे जाएंगे और यहाँ से हम डाल देंगे ट्विटर पे, ट्विटर पे तो हम इस ब्लॉग का जो है लिंक भी डालेंगे, ट्विटर पे हम इसका लिंक भी डालेंगे, कॉपी कर लेंगे पोस्ट। अब आ रही है, आती है बारी पिंटरेस्ट की। तो पिंटरेस्ट में ऑप्शन है क्रिएट पिन, पिन में फोटो को चढ़ा देंगे और यहाँ पर हम पूरा इसका चेक देंगे, इसका लिंक यहाँ से हटाएंगे और इसी चीज़ को यहाँ पर हम चेक देंगे, लिंक यहाँ पर लगेंगे। पिंटरेस्ट से बहुत ट्रैफिक आता है, टाइप कीजिए पिंटरेस्ट। मैं ये चीज़ शायद आज ही बतानी थी मुझे, टाइप कीजिए पिंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंटरेस्ट से बहुत ट्रैफिक आता है, ये बहुत सीक्रेट है, ये मैंने शायद बताया नहीं आप लोगों को आज तक, पर जो जब होना होता है तभी होता है, पिंटरेस्ट से बहुत ट्रैफिक आता है। ठीक है, मोटिवेशन इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन कोट्स लाइफ स्किल्स, ये पिंटरेस्ट पर चला गया है। अब हमने लिंक कहाँ कहाँ नहीं डाला है, मेटा में नहीं डाला है तो लिंक्डइन में भी नहीं डाला है, तो उसके कमेंट में डाल देंगे, ट्विटर में डाल दिया था, सिर्फ मेटा रह गया है जहाँ पर हमने लिंक नहीं डाला था, और इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में लिंक डलता ही नहीं है, तो बायो में आके पढ़ लेगा, और फेसबुक में हम जो है लिंक डाल देंगे। सात बज के 12 मिनट हुए हैं अभी, यहाँ पर लिंक में हम कमेंट डाल देंगे। और एक एक फंडा और दिखाता हूँ आपको, एक फंडा ये है, नॉर्मल जो प्रोफाइल से पोस्ट करते हैं हम, नॉर्मल प्रोफाइल से जब पोस्ट करते हैं तो यहाँ पर कई जगह पर मोटिवेशन इंस्पिरेशन रीड ब्लॉग लिंक इन कमेंट, तो जब यहाँ से हम पोस्ट करते हैं तो ये कई जगह चली जाती है, पोस्ट पेज पर, दूसरे पेज पर, तीसरे पेज पर, अगर आपने कनेक्ट कर रखे हैं तो बहुत सारे पेजेस पर यहाँ से पोस्ट ऑटोमेटिकली चली जाती है, बट वहाँ पे जाके कमेंट करके आना पड़ेगा आपको लिंक, ये एक थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, बट ये ठीक है, थोड़ा सा कमाने के लिए बहुत लोग मेहनत करते हैं। 7 बज के 13 मिनट हो चुके हैं और कुछ ही सेकंड्स में हमारा काम जो है कंप्लीट होने वाला है, ये देखिए इसी के साथ काम कंप्लीट हो गया, 7 बज के 13 मिनट। तो 13 मिनट में ब्लॉग लिख भी गया, पब्लिश भी हो गया, क्रिएटिव भी डल गया और सोशल मीडिया पर पूरे पर शेयर भी हो गया, राइट। अब अपनी तारीफ के 2 वर्ड कमेंट्स में लिख सकते हैं आप। और पिंटरेस्ट का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पिंटरेस्ट की हालत क्या है, देखिए 2.7K मंथली व्यूज, फॉलोअर्स 11 हैं, फॉलोअर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2.7K मंथली व्यूज हैं और तो यहाँ से खूब ट्रैफिक आता है। और एक सीक्रेट मैं आपको बता दूँ, 2820 लोगों ने देखा है, 28% की ग्रोथ है, 4 लोगों ने क्लिक किया है। मैं तो रेगुलरली इस पर काम नहीं करता हूँ, बट पिंटरेस्ट पर अगर आप काम करते हैं तो यहाँ से आपका एफिलिएट का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और यहाँ से आपको जो है बैकलिंक्स भी मिलेंगे, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आएगा।
तो पिंटरेस्ट को भी अपनी स्ट्रेटजी में संभाल के रखिए, राइट? ऑसम। सभी लोगों के कमेंट्स चाहिए क्योंकि ये क्लास है, क्लास में अगर आप एक्टिव रहेंगे तो वो बेटर रहेगा, राइट? अभी मैं कहाँ पर हूँ, क्या चल रहा है हमारा? यस, तो कैसा लगा सभी लोगों को ब्लॉग पोस्ट, एक बार अपने विचार प्रकट करके बता दीजिए कमेंट्स में। आप उंगलियां चलाते रहेंगे तो ज़्यादा सीख जाएंगे, ठीक है? ऑसम, थैंक यू वेरी मच। तो आज हम कर रहे हैं शुरुआत बेसिक डिजिटल मार्केटिंग की, बिल्कुल आज जीरो से शुरू करेंगे। ये तो मैंने एक मोटिवेशन के लिए आपको करके दिखा दिया था कि 13 मिनट में एक ब्लॉग लिखकर सोशल मीडिया पर शेयरिंग करके कंप्लीट हो जाता है, राइट? और मैंने आज एक पोस्ट भी डाली अपने यूट्यूब चैनल पर जिसमें मैंने बोला है कि जो ब्लॉग 1 लाख रुपये महीना कमाते हैं, 10 लाख रुपये महीना कमाते हैं, उनके पीछे एक ही सीक्रेट होता है, वो होता है एक ब्लॉगर, लिखने वाला, जो कभी हिम्मत नहीं हारता, राइट? तो टाइप कीजिए एक बार, तांडव मचा दो, तांडव मचा दो। यहाँ पर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आप सभी लोगों से करना चाहता हूँ, बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट, बट ये जीवन बदल देने वाली रिक्वेस्ट है। हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, हमेशा, ऑलवेज यूज पॉजिटिव एंड पावरफुल वर्ड्स। आपको ये कभी नहीं कहना, अब जबकि मैं आपके साथ हूँ, कोई कोच आपके साथ है, कि मुझे ये चीज़ नहीं आती। जो आपको आता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको यही बोलना है हमेशा कि आई हैव एवरीथिंग, ऑसम, थैंक यू वेरी मच। क्लियर है? टाइप कीजिए सभी लोग एक बार, क्लियर? ऑलवेज यूज पावरफुल एंड पॉजिटिव वर्ड्स, ऑलवेज, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो बेसिक डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है ना, कि जब मेरे जैसा आदमी थोड़ा काबिल हो जाता है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसको बेसिक डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने में बड़ी दिक्कत आती है नॉर्मली, क्योंकि उसको तो लगता है ना कि सब कुछ आसान है, मुझे तो सब कुछ आता है, तो छोटी छोटी चीजें क्या बताऊं मैं। बट जिनको नहीं आता है उनके लिए चीजें बड़ी दिक्कत वाली हो जाती हैं, और इसीलिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े कॉलेजेस में बड़ी बड़ी चीजें पढ़ा दी जाती हैं, बच्चों को समझ में नहीं आती हैं, सीखने वालों को, उनको लगता है कॉलेज तो बहुत बढ़िया था, बट हमारी लाइफ में 1% भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ आप जितने भी सवाल पूछेंगे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और ये जो सेशन है ये थोड़ी देर का है, उसके बाद आपके क्वेश्चंस के आधार पर क्लास चलती है हमारी हमेशा, और टॉपिक्स हमारे काफ़ी डिटेल में होते हैं, और मेरा लक्ष्य है आप सभी की मदद करना। बस आप एक्टिव रहिए, सुपर एक्टिव रहिए, आप, मैं इतने धक्के लगाऊंगा मैं कि आपको आगे लेके चला जाऊंगा। धक्का समझते हैं, अभी मेरे घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे सुबह टाइम से जगा दे। अगर आपके ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति है तो थैंक यू यूनिवर्स कह सकते हैं आप, राइट? तो एक आदमी जो आपको गाइड करे, कोच, इट्स अ वेरी वेरी, क्या बोलना चाहिए, कोई शब्द आप बताएंगे, कैसी बात है ये, ना, थैंक यू यूनिवर्स काइंड ऑफ थिंग। चलिए, तो मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है क्योंकि बेसिक डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने में मुझे तो दिक्कत आएगी आएगी, आप समझ रहे हैं? एक कोच को जिसको सब कुछ आता है, बेसिक डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि उसको लगता है ना, उसको तो सब कुछ आता है। तो हमने एक छोटा सा, एक कच्चा चिट्ठा बनाया है आप सभी लोगों के लिए, आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पर डाल सकते हैं, और बीच बीच में तो नहीं बट बाद में मैं आपके सारे क्वेश्चंस लूंगा, तो चीज़ों को डिटेल में क्लियर करेंगे। क्लियर है? एक बार और टाइप कीजिए, क्लियर, इन द चैट बॉक्स। काफ़ी प्रेशर है मेरे ऊपर आज, देख सकते हैं आप, मैं अंडर प्रेशर हूँ आज। तो आज हम बात करेंगे बेसिक डिजिटल मार्केटिंग की, और स्लाइड्स के माध्यम से ही बात करेंगे, नहीं तो कोई बात हो सकता है छूट जाए मुझसे। तो सबसे पहले, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग समझने से पहले हम ये समझेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है? तो डिजिटल मार्केटिंग बाद में समझेंगे, पहले समझेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले मार्केटिंग आप समझ लीजिए कि क्या होती है मार्केटिंग, एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे, कौन बताएगा मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग, डिजिटल तो बाद में समझ लेंगे, मार्केटिंग अगर हमने समझ लिया तो डिजिटल समझना बहुत आसान है।
एक बार अपने 2 3 शब्द 4 शब्द चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, और कैमरा ऑन रखिए अपना, जिससे कि मैं देख पाऊँ कि आप क्लास में हैं या नहीं हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे कैमरा ऑन करना मैंडेटरी हो रहा है हमारी क्लास में। क्लास है ना, ये वेबिनार नहीं है, सेल्स वेबिनार नहीं है, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप जागरूक कितने हैं, है ना। अजय चौरसिया जी कह रहे हैं क्रिएट नीड्स एंड फुलफिल इट, गलत सही जवाब देते रहिए। बताइए मार्केटिंग क्या होता है? प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। थोड़ा सा ठीक है, मतलब ठीक है। एडवर्टाइजिंग, हाँ ये भी ठीक है। प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, ये भी ठीक है। बट बिल्कुल सटीक जवाब बहुत आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। मार्केटिंग, मार्केटिंग शब्द में ही है जवाब। अगर ध्यान से आप थोड़ा सा देखेंगे, मार्केटिंग शब्द के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है। मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ले जाना, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। बोलिए हाँ या ना। बेचने की बात नहीं हो रही अभी, सेल्स अलग चीज है, बेच नहीं रहे अभी हम, अभी तो सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। मुझे मार्केटिंग ध्यान है, मैं किसान का बेटा हूं, हमारे घर में आलू होते हैं, गेहूं वेहूं तो अलग तरीके से बिकता है, बट आलू, आलू की खुदाई होती है, फिर आलू को एक बुग्गी में डाला जाता है, बैल भैंसा गाड़ी बैलगाड़ी में, फिर उसको हम ले जाते हैं पैंठ में, और पैंठ में बिछा के और वहां पर बोरियां रख देते हैं मार्केट में, फिर वहां पर लोग खरीदने वाले आते हैं। अब उनकी मर्जी है खरीदे ना खरीदे, हम कितना चिल्लाते हैं, कितना जोश के साथ बात करते हैं, उस पर डिपेंड करता है सेल्स। बट अगर वहां बैठना बहुत जरूरी है मार्केट में, तो मार्केट में पहुंचना इज मार्केटिंग। सिंपल है कि मुश्किल है? टाइप कीजिए, इट्स सिंपल और मुश्किल। मार्केट में पहुंचना यानी, मेरा आपने ऐड देखा था फेसबुक पर किसी दिन, फेसबुक क्या है? मार्केट प्लेस है। तो आपने फेसबुक पर मुझे देखा था, यूट्यूब पर मुझे देखा था, तभी तो आप जुड़ पाए उससे, और हजारों लोगों ने देखा था, बट आपने खरीदा मुझे, मैं बिक चुका हूं, आपने खरीद लिया है मुझे, मैंने अपने आप को बेच दिया, ठीक है, बेचना पड़ता है अपने आप को, तो बेच दिया बाद में। बट मार्केट में पहुंचना, जैसे कोई भी गाड़ी लॉन्च होती है, कुछ भी होता है, तो वो गाड़ी टीवी पे आती है पहले, अखबार में आती है, राइट और रॉन्ग, बताई जाती है कि देखो भैया नया मोबाइल आ चुका है, आईफोन का, सैमसंग का, मारुति की नई गाड़ी आ चुकी है, या कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में, पेन या कुछ भी, वो पहले दिखाया जाता है लोगों को, चौड़े में बैठ के बताया जाता है, राइट और रॉन्ग। टाइप कीजिए यस राइट, उससे आप जुड़ पाएंगे। तो मार्केटिंग सिंपल है, लोगों के बीच में अपनी चीजों को, अपनी सेवाओं को लेकर जाना। क्लियर है ना यहां तक? अपनी चीजों को, अपनी सेवाओं को, अपने प्रोडक्ट्स को लोगों के बीच में ले जाना। ज्यादातर लोग अपने घर पे ही रखे बैठे होते हैं गेहूं, गेहूं की बोरी, हमारे गेहूं बिक नहीं रहे, हमारा यूट्यूब चैनल चल नहीं रहा है, हमारी सर्विसेज कोई ले नहीं रहा है, हमारी शर्ट्स नहीं बिक रही हैं, हमारे प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं, हमारी मशीन नहीं बिक रही है, हमारे कपड़े नहीं बिक रहे हैं, तो हम सही जगह पर मार्केट में नहीं बैठे हैं। जो दुकानें मार्केट में बिल्कुल सामने होती हैं, उनका माल ज्यादा बिकता है कि नहीं बिकता है? क्यों बिकता है? क्योंकि वो सबसे पहले दिखाई देती है लोगों को, ये रहा भाई साड़ी का शोरूम, ये रहा ज्वेलरी का शोरूम, ये रहा गॉगल्स का शोरूम, ये रहा घड़ी का शोरूम। वो ऐसी जगह पर दुकान खोल के बैठे होते हैं जो सबसे ज्यादा दिखता है, प्रोमिनेंट मार्केट। और वहां पर दुकान लेने के लिए तो आपको पता है किराया कितना देना पड़ेगा, जरा बताइए कितना किराया देना पड़ेगा? एक ऐसी जगह पर मैं दुकान लेके बैठूं तो कितना किराया देना पड़ेगा, एक बार अंदाजे से बताइए। अपने शहर की टॉप मार्केट में आप दुकान लेंगे तो चेतन जी तो मुझे लग रहा है काफी सस्ते एरिया से आते हैं, राइट? हमारे अलीगढ़ शहर में जो सेंटर पॉइंट है, अगर वहां हम सामने की दुकान लेंगे तो महीने का किराया लगभग 2 से 5 लाख रुपए का है, एक छोटी नॉर्मल दुकान का 2 से 5 लाख रुपए महीने। बट हकीकत यह है कि अगर वहां हम ले लें दुकान तो हमारा धंधा भी टॉप चलेगा। बट हमारे पास 2 से 5 लाख रुपए अगर नहीं है और हमें हल्का सा डर लग रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम? कुछ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताइए? हमारे पास तो 2 लाख रुपए है नहीं है, 5 लाख रुपए नहीं है, और अगर हैं भी तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे।
ऐसी स्थिति में, और बढ़िया स्थिति में भी कर सकते हैं। अब आप, मैं घर पर बैठा हूं, मेरी दुकान बिल्कुल वीआईपी मार्केट में नहीं है, मेरा शोरूम नहीं है, मेरा ऑफिस नहीं है, बट फिर भी आप मेरी क्लास में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बैठे हैं ना, क्यों? क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी थी, यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा था, फेसबुक के माध्यम से आप तक पहुंचा था, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचा था, राइट और रॉन्ग? टाइप कीजिए यस, जल्दी जल्दी छोड़ पाएंगे, राइट? मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया है, उसमें अपनी मार्केट बना ली है, मैंने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया है, वो मेरी मार्केट है, मैंने फेसबुक पर एक ऐड चला दिया, वो मेरी मार्केट है, और उस मार्केट में कुछ पैसे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये खर्च करके मैं आराम से पहुंच जाता हूं। अगर 20,000 रुपये दुकान का किराया देना था आपको, तो 20,000 रुपये में तो तंगड़ी मार्केटिंग कर सकते हैं आप, दुकान का पूरा किराया बचा सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल। तो डिजिटल मार्केटिंग आई होप बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, यानी लोगों के बीच में पहुंचना, मार्केट में पहुंचना डिजिटल माध्यम से, खरीदारों के बीच में पहुंचना डिजिटल माध्यम से इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। अब वो देख लेते हैं जो किताबी परिभाषा है एक बार। तो किताबी परिभाषा क्या कहती है? डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स, रेफर्स माने होता है बात करती है, यूज ऑफ डिजिटल चैनल्स, डिजिटल चैनल्स का प्रयोग करना, प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करना, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, प्रमोट अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, सेवाओं को प्रमोट करना, अपनी ब्रांड को प्रमोट करना, और कहाँ करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टू अ टारगेट, टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस। अब नॉर्मली आप अगर न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, या होर्डिंग बैनर लगवाते हैं, या न्यूज़पेपर में पंपलेट लगवाते हैं, या दीवारें पुतवा देते हैं, तो आप मुझे बताओ, आपका टारगेटेड ऑडियंस ही देखेगा क्या उसे? उसे तो सब देखेंगे, जिसको खरीदना है वो भी, जिसको नहीं खरीदना वो भी। तो वो एक होता है भीड़ में जाके रख देना, बट उस पूरी भीड़ में से कुछ लोग होते हैं जो आपके टारगेट ऑडियंस होते हैं, तो वो देख लेते हैं, तो इसलिए बंदा वहां करता है, उसका खर्चा बहुत मोटा आता है, बट डिजिटल माध्यम से बहुत कम पैसे में आप टारगेट ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं। ये नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखने वाली बात है, बहुत कम पैसे में टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, राइट? उसके बाद लिखा है, इट इन्वॉल्व्स लेवरेजिंग, लेवरेजिंग का मतलब होता है फायदा उठाना, द इंटरनेट, इंटरनेट का फायदा उठाया जाता है, मोबाइल डिवाइसेस का फायदा उठाया जाता है, वेरियस ऑनलाइन मीडियम्स का फायदा उठाया जाता है। वेरियस ऑनलाइन मीडियम्स क्या है, नोट कर लीजिए, फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, ट्विटर, कोरा, पिंटरेस्ट, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, उनके ऊपर भी अलग से ऐड होते हैं। तबूला, आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस कि वेरियस ऑनलाइन मीडियम्स क्या होते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, कोरा, पिंटरेस्ट, और फिर टबूला, गूगल, फेसबुक का एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, फिर न्यूज़ वेबसाइट्स, फिर पॉपुलर वेबसाइट्स, तो ये सारे वेरियस ऑनलाइन मीडियम्स होते हैं मार्केटिंग पर्पजेस के लिए। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, टाइप कीजिए यस इन द चैट बॉक्स अगर कंफ्यूजन है तो। सो आई होप डिजिटल मार्केटिंग इज सुपर क्लियर, जिनको सुपर क्लियर है टाइप कीजिए SC, सुपर क्लियर। वैसे तो मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूं, बट फिर भी स्लाइड के हिसाब से चलेंगे। बेनिफिट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बेनिफिट्स एंड इम्पोर्टेंस, क्या फायदे हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो पहला उसने क्या बताया है, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं हल्की सी, कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी आप अगर एक बोर्ड लगवाएंगे कहीं, बड़ा सा बोर्ड होता है आपकी सिटी में, देखा होगा उसका रेंट, आपको पता है किसी को, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कितना होता है। एक बड़ा सा होर्डिंग जो लगा होता है, जो सेंटर पोल होते हैं सड़क के बीच में, बड़ा सा लगा होता है, मेरे हिसाब से 12-15 फुट का होता है बड़ा सा, कितना रेंट होता है उसका, एनी आइडिया? उमेश जी कह रहे हैं 1 लाख रुपए।
वो अगर कनाट प्लेस में लगा है दिल्ली में, तो उसका रेंट 10 लाख भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। बट हमारे शहर में जो मेन मार्केट के आसपास होता है, उसका जो रेंट होता है लगभग 45,000 रुपये होता है, और शहर से बाहर उसका रेंट जो है लगभग 20-25 हज़ार रुपये महीने होता है एक बोर्ड का। और बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने शहर में एक नहीं लगवाते, 30-30 लगवाते हैं। सोचिए कितना पैसा ये लोग खर्च करते हैं, इनको वाकई पता नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अगर पता होता तो 30,000 रुपये के 30 लाख रुपये कौन खर्च करता है भाई, समझ रहे हैं? बट ये ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर हैं, इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि डिजिटल की दुनिया कितनी ताकतवर है। तो अगर आप किसी क्लाइंट के पास जाएं तो उसे साफ शब्द अक्षरों में बता दें कि इतने बड़े बड़े होर्डिंग जो लगा रखे हैं, इनका कोई खास फायदा नहीं है। टारगेटेड ऑडियंस के माध्यम से जाओगे तो ज्यादा ग्राहक आएंगे, ज्यादा बड़ी कम्युनिटी बनेगी, और बहुत सस्ते में बन जाएगी। स्मॉलर बजट कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, टीवी, प्रिंट एडवर्टाइजिंग, जो होर्डिंग की बात कर रहा हूँ उसे प्रिंट एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। बहुत सी चीजें आप शायद सीख रहे होंगे आज पहली बार, उसे प्रिंट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। टीवी पर जो एड आता है वो तो फिर लाखों रुपए का जुगाड़ होता है, और टीवी भी सब लोग देखते हैं। टारगेट ऑडियंस के पास नहीं पहुंच पाती बात, या पहुंचती है तो वो बहुत महंगी पड़ जाती है। बट फेसबुक में, गूगल में ये ऑप्शन होता है कि आपको अपना एड स्टूडेंट तक पहुंचाना है, हाउसवाइफ तक पहुंचाना है, या 40 साल के व्यक्ति तक पहुंचाना है, या जिनकी शादी होने वाली है उन तक पहुंचाना है। उन्होंने अपना स्टेटस डाला होता है ना एंगेज्ड, वो अगर फेसबुक पे पोस्ट भी कर देता है ना कोई बंदा कि हमारी एंगेजमेंट हो गई है, तो फेसबुक को समझ में आ जाता है कि एंगेजमेंट हो चुकी है। ऐसे लोगों तक डायरेक्ट एड के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इसको बोलते हैं टारगेट कस्टमर, टारगेट ऑडियंस। प्रॉपर टारगेटिंग करी जा सकती है। हम जो अपना ऐड चलाते हैं उन्हीं लोगों को दिखाते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, यानी बहुत कम पैसे में बड़ा गेम। जब आप अपने क्लाइंट से बात करो तो ये उनको समझाओ, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप ये चीज समझिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हम थोड़ा एडवांस में चल रहे हैं। टारगेटेड ऑडियंस, प्रिसाइज ऑडियंस टारगेटिंग अलाउज बिजनेसेस टू रीच द राइट पीपल विद देयर मैसेजेस। अब जो लोग डिजिटल सीखना चाहते हैं हम उन तक पहुंच जाते हैं। अब ऐसे लोगों तक पहुंचना जो आटा चक्की खरीदे, आटा चक्की मशीनें होती है ना, ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए ऐसी पोस्ट लिखनी पड़ेगी, ऐसा मैसेज बनाना पड़ेगा एआई के माध्यम से। ऐसे ही लोगों को फेसबुक ज्यादा दिखाएगा जो कहीं ना कहीं आटा चक्की गूगल पर सर्च कर रहे होंगे, कहीं उनकी जरूरतें आटा चक्की से रिलेटेड होंगी, ऐसे लोगों को दिखाएगा। नॉर्मली आटा चक्की की दुकान खोल के बैठ जाएं आप एग्जीबिशन में, तो कोई भी आएगा दिमाग खराब करेगा, 10 मिनट बात करेगा और चला जाएगा। वो टारगेटेड बंदा नहीं होता है। राइट, टारगेट ऑडियंस क्लियर है? टाइप कीजिए TAC, टारगेट ऑडियंस क्लियर। बिल्कुल साधारण भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, बट अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए या क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हम दोबारा बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मेजरेबल रिजल्ट्स। जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपके पास एक डेटा आता है कि भाई देखो मेरे 5,000 रुपये खर्च हो गए, मेरे पास 5,000 में 45 लीड आ चुकी हैं, 45 लीड्स, और 5,000 में हम पहुंचे हैं 60,000 लोगों तक, 60,000 लोगों तक पहुंचे हैं, 45 लीड आ गई हैं, और 45 में से 2 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो हमारे पास एक डेटा होता है जो मुझे समझ में आता है कि आगे क्या बेटर करना है। तो डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड्स डेटा एनालिटिक्स टू ट्रैक एंड मेजर कैंपेन परफॉर्मेंस इन रियल टाइम। हम अभी साफ साफ देख सकते हैं अपने फेसबुक अकाउंट में लॉग इन करके कि मेरा ऐड कितने लोगों तक पहुंच रहा है, कितने रुपए की लीड आ रही है, क्या मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेजर कर सकते हैं। और जो होर्डिंग बैनर लगा हुआ है सड़क पे, आप मेजर कर सकते हैं कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों से देखकर मेरे शोरूम पर आए, मेजर कर सकते हैं। टाइप कीजिए यस और नो। न्यूज़पेपर में आपने ऐड लगा दिया, आपको पता चलेगा कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा। और न्यूज़पेपर तो घर में आता है, जैसे आता है वैसे ही रख जाता है। मैं तो शायद महीने में एक दिन न्यूज़पेपर हल्का सा खोल के देखता हूँ, हल्का सा एक दिन खोल के देखता हूँ बस। मंगाते क्यों हैं? इसलिए मंगाते हैं, न्यूज़पेपर को क्यों मंगाते हैं घर में?
जानता है मैं क्यों मंगाता हूँ? कोई सही जवाब दे तो मान जाऊंगा मैं। एनीबडी गाइस, कोई है जो सही जवाब दे सकता है? मैं न्यूज़पेपर अपने घर में क्यों मंगाता हूँ? कोई तो तुक्का मार दो अच्छा वाला। यस यस यस, तुक्का, सभी लोग तुक्का मारे प्लीज। मैं न्यूज़पेपर महीने में एक दिन पढ़ता हूँ बट न्यूज़पेपर में डेली मंगाता हूँ, क्या रीजन हो सकता है? उमेश जी मुस्कुरा रहे हैं, बताइए क्या रीजन हो सकता है? अजय जी कैमरा बंद है आपका, सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, क्लास में हैं आप, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, हैबिट, हैबिट, सॉरी रीजन नहीं है ये, लोकल न्यूज के लिए भी रीजन नहीं है। मैं पढ़ता ही नहीं हूं ना, तो लोकल न्यूज का तो कोई लेना देना नहीं है। कोई तो बताओ प्लीज गाइस, कम ऑन, सोचो, दिमाग दौड़ाओ। पागलपंती वाला कारण है, पहले बता दूं, इट्स वेरी मैड मैड रीजन। इन्फ्लुएंसिंग नहीं, संवाद, पेपर के, घर के काम में। ये सही था, नहीं इसके लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए। ये एक रीजन है मेरा छोटा सा, कि मुझे न्यूज़पेपर से पता चलता है कि क्या हो रहा है, बट मैं खोल के नहीं देखता ना। तो डस्टिंग, बहुत बढ़िया, आइडिया जनरेशन के लिए मैंने, हाँ एक रीजन था, बट मैं खोल के नहीं देखता तो आइडिया जनरेशन कहाँ से होगा। बहुत बहुत ही अजीब सा कारण है बट बहुत पावरफुल रीजन है, मैं खोल के ही नहीं देखता हूं। रिलेशन तो तब बनेंगे ना उमेश जी, समझ रहे हैं? चलिए मैं बता दूं, बिल्कुल पागलों वाला रीजन है, बट आप समझिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं आपसे। जब न्यूज़पेपर आपके घर में आता है तो न्यू एनर्जी आती है आपके घर में, फ्रेश एनर्जी आती है, फ्रेश एनर्जी, न्यू एनर्जी आती है। दम है बात में तो टाइप कीजिए, दम है, फ्रेश एनर्जी आती है। और एक दिन तो खोल के देख ही सकता है ना आदमी, और कोई तो खोल के देख सकता है, फ्रेश एनर्जी आती है। बहुत से लोग कहते थे मुझसे जब मैं इंग्लिश पढ़ाता था कि सर इंग्लिश का न्यूज़पेपर मंगा तो लूंगा बट समझ में कुछ नहीं आता है। मैंने कहा भैया समझ में नहीं आएगा बट आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर रोज मंगाना है और रोज पढ़ना है, समझ में कुछ ना आए ना आए, राइट? तो इट्स अ मैजिकल थिंग, हर चीज के पीछे लॉजिक नहीं होता है, कुछ चीजें एनर्जी होती हैं, एनर्जी एनर्जी आती है घर में रोज, एक नई एनर्जी आती है, इसीलिए रोज पूजा की जाती है, इसीलिए रोज झाड़ू पोछा किया जाता है फ्रेश एनर्जी के लिए, राइट? आई होप आपको ये पागलों वाला रीजन बड़ा अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से हम अपनी पूरी जो मार्केटिंग मेजर कर सकते हैं डिजिटल में, बाकी नॉर्मल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है। और ये प्रेजेंटेशन मैंने बहुत आसानी से बनाई है, अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। डिजिटल मार्केटिंग, अब यहां पर जो दुकान खोल के बैठे हैं ना वो थोड़े परेशान हो जाएंगे। आप दुकान खोल के बैठे हो, खूब वीआईपी जगह पर बैठे हो, बट आपको दूसरी जगह बिजनेस करना है तो फिर से दूसरा बिजनेस, दूसरा शोरूम खोलना पड़ेगा, 50-60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए दोबारा से लगाने पड़ेंगे। बट डिजिटल वाला बंदा मथुरा में भी ऐड कर सकता है, उज्जैन में भी कर सकता है, पुणे में भी कर सकता है, चेन्नई में भी कर सकते हैं। अपने अपने शहर का नाम टाइप कीजिए जरा चैट बॉक्स में, अपने अपने शहर का नाम टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। उज्जैन, ये देखिए मैं आपके पास गया नहीं था, गया, जबलपुर, गोरखपुर, रांची, भिलाई, देखिए आप। तो मैंने यहां पर शोरूम तो नहीं खोले, गुलबर्गा, पंचकुला, भुवनेश्वर, कोई शोरूम नहीं खोला, कोई वहां पर मैंने ब्रांच नहीं खोली हुई है। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल, आपके सामने है पूरे वर्ल्ड में। इनफैक्ट मेरा एक ऐड चलता है आजकल, बिकम अ सुपर सक्सेसफुल डिजिटल कोच, जो कि पूरे वर्ल्ड में चलता है। और कितने रुपए डेली चलता है बता देता हूं, 444 रुपए का चलता है पूरे वर्ल्ड में, एक ऐड चला रखा है मैंने, 444 रुपए पर डे बस, यानी पूरे महीने में अगर खर्च होंगे तो कितने खर्च होंगे बताता हूं, 444 से कितने होते हैं, 3 6 12, 12 14 हजार रुपए खर्च होंगे बस, 15 हजार भी खर्च नहीं हो रहे मेरे महीने में, और उससे मुझे महीने के 5 से 6 एडमिशन आ जाते हैं, और एक एडमिशन की फीस है मिनिमम 30,000। अब सोचो आप, यानी मेरे 12 15 हजार रुपये खर्च होते हैं और 1.5 लाख रुपए की आमदनी मुझे हो जाती है उससे, 5 से 10 एडमिशन के बीच में आ जाते हैं, 5 to 10 एडमिशन,
444 रुपए का ऐड है, पूरे वर्ल्ड में चलता है, हाउ टू बिकम अ डिजिटल कोच, राइट। लीड आती है दिन में दो तीन चार बस, बट ये बहुत ही मैच्योर वाली लीड होती है, बहुत मैच्योर लोग होते हैं ना कोचेज, जो टेक्निकली थोड़े प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, तो ये लोग फटाफट से पैसा देते हैं, उनको पता चल जाता है कि सुनील ठीक बंदा है, सपोर्ट करेगा। तो मैं तो पूरे वर्ल्ड में दे रहा हूं भीम जी, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, राइट। तो पूरी दुनिया में आप जा सकते हो, बात पूरी दुनिया की नहीं है, इंडिया की कर लेते हैं, तो आप किसी भी सिटी को टारगेट कर सकते हैं, आप गांव में बैठे हैं या किसी और सिटी में बैठे हैं। मैं पटना से, मैंने बहुत टारगेट किया है पटना को, रांची को, भोपाल को बहुत टारगेट किया है मैंने, कानपुर को बहुत टारगेट किया है, तो किसी भी सिटी को आप टारगेट करके अपना बिजनेस ले सकते हैं। आप अगर डिजिटल मार्केटर बन रहे हैं तो आपको पता है कौन कौन से शहर बहुत बढ़िया हैं बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल सूरत है और राजकोट है, अहमदाबाद है, गोरखपुर है, बरेली है, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ बिजनेसेस चलते हैं, तो उनको आप टारगेट कर सकते हो। उनको बोलो कि मैं आपको सोशल मीडिया की, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दूंगा, अब 100 रुपये का ऐड चलाओ, आँख बंद करके चलाओ, मतलब पूरी पक्के डिसीजन के साथ चलाओ, पूरे महीने 100 रुपये का ऐड चलाओगे तो 3,000 रुपये हुए। आप सोच के देखो, यहाँ पर आपको स्कूटर से नहीं जाना, बाइक से नहीं जाना, बारिश में नहीं जाना, धूप में नहीं जाना, 100 रुपये डेली का ऐड चला लो और एक कैटेगरी को टारगेट कर लो, साड़ी शोरूम्स को, और एक शहर को टारगेट कर लो। अगर पूरे महीने में सिर्फ एक क्लाइंट बन गया 5,000 रुपये महीने का, आपके कितने खर्च हुए 100 रुपये से, सिर्फ 3,000 रुपये, एक क्लाइंट कितना हुआ अपना 5,000 का, कितने रुपये का फायदा हुआ बताएंगे मुझे चैट बॉक्स में। आपने पूरे महीने 100 रुपये डेली का ऐड चलाया है और पूरे महीने में सिर्फ एक क्लाइंट मिला है जो आपको 5,000 रुपये दे रहा है, कितने रुपए का फायदा हुआ बताएंगे मुझे चैट बॉक्स में, किसका मैथ अच्छा है। 2,000 रुपये का, बहुत बढ़िया, क्या 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 मैथ कर रहे हो, देखो इसको कहते हैं मैथ भाई साहब। हर महीने देगा ये 5,000 रुपये, हर महीने आने वाले 2-3-4 साल तक देगा, अगर सेटिस्फाइड रहा तो, और कोई ऐड नहीं चलाना पड़ेगा फिर, हर महीने किराया देगा बंदा, क्या इनकम हो सकती है सोचो आप, मान के चलो 3 साल, 3 साल तक भी हमारा क्लाइंट है वो, 5,000 वाला बंदा 1,80,000 रुपये हो गए भाई, से सोचिए बड़ा, सोचो, समझ रहे हैं आप उमेश जी, सभी लोग, और अच्छा लगा उसको तो और क्लाइंट भी देगा, रेफरेंस भी देगा, और जब जाओगे दुकान पे चाय पानी भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। एम आई राइट और रॉन्ग बताइए, मैं आपको बहका रहा हूं कि सही बता रहा हूं बताइए। प्रीति कैमरा ऑन करके पंखा दिखा रही है हमें, पंखा अच्छा है आपका, अच्छा पंखा है, ठीक है। तो इस तरीके से एड चलाने के पीछे की टेंडेंसी होती है, एड इसलिए चलाया जाता है। अब सुशील जी को अच्छा लगा, उमेश को अच्छा लगा, शीतल जी को अच्छा लगा, प्रीति को अच्छा लगा, तो वो और स्टूडेंट्स भी लेकर आएंगे कि ये एक पागल ट्रेनर है, देखो बहुत हेल्प करता है, इससे सीख लो, बाकी ट्रेनर तो पैसा लेके गायब हो जाते हैं मार्केट से, बट ये सिखाता है, राइट और रॉन्ग, आप लेकर आओगे, और अगर मैं सिखाऊंगा नहीं तो आप मेरा नाम भी बदनाम करोगे, गालियां भी दोगे, बददुआ भी दोगे, तो डिपेंड करता है फिर सेवा कैसी देनी है, सेवाओं को अच्छा रखना है, प्रोडक्ट को अच्छा रखना है, राइट। और क्या है फायदा डिजिटल मार्केटिंग का, और क्या फायदा है, बंदा आपका ऐड देखेगा, वो आपको मैसेज भेजेगा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, आप उसको तुरंत जवाब भी दे सकते हो, 1 घंटे में दे सकते हो, 2 घंटे में, बट अगर वो अपने शोरूम पर बुलाएगा तो कल आऊंगा, परसों आऊंगा, ऐसे करके टाइम निकल जाएगा। इंस्टेंट कम्युनिकेशन, रियल टाइम एंगेजमेंट विद कस्टमर्स थ्रू सोशल मीडिया एंड ईमेल मार्केटिंग। अब तो व्हाट्सएप का जमाना आ चुका है, अब तो बोट्स का जमाना आ चुका है, उसने भोजा, उसने कुछ बोला, हेलो व्हाट इज द प्राइस, तो प्राइस शब्द जैसे ही देखा ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाएगा, आपकी 3-4 प्राइस के जो लिस्ट है वो पूरी पहुंच जाएगी उसके पास, वो कुछ और क्वेश्चन पूछेगा, हर एक क्वेश्चन का बोट लगा देते हैं आप, BOT बोट टाइप कीजिए, BOT बोट, बोट क्या होता है, बोट होता है ऑटोमेटिक रिप्लाईज सेट करे हुए हमने, वो ऑटोमेटिक जवाब देते रहते हैं क्लाइंट्स को, और नाम के साथ, जैसे सुशील जी ने मुझे मैसेज भेजा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर कोर्स, तो रिप्लाई जाएगा, नमस्कार सुशील जी,
हमारे कोर्स का प्राइस इतना है, नमस्कार के साथ जाएगा। तो सुशील जी पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ बहुत बढ़िया, मेरे नाम के साथ रिप्लाई आया है, बहुत जल्दी अच्छा लगेगा। उसे बोलते हैं BOT बोट, या फिर उसे बोलते हैं चैट ऑटोमेशन, मैसेज ऑटोमेशन, या फिर कम्युनिकेशन ऑटोमेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। नॉर्मली लोग उसे बोट बोलते हैं, BOT बोट, राइट। तो इंस्टेंट कम्युनिकेशन का डिजिटल मार्केटिंग में फायदा है, नॉर्मल में फायदा नहीं है। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही आपसे, यानी 100 रुपये का भी एड चला सकते हैं आप, मैं चला सकता हूँ 100 रुपये का, उमेश जी चला सकते हैं 100 रुपये का, सुशील जी 100 रुपये का, प्रीति, हम सब 100 100 रुपये का एड चला सकते हैं और हम सबको अपने अपने क्लाइंट मिल जाएंगे, कोई कंपटीशन वाला लफड़ा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई 2,000 रुपये खर्च कर रहा है, आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा डिजिटल में। ऐसा नहीं हो सकता कि 2,000 वाले का ऐड पहले चलेगा, 100 वाले का बाद में चलेगा। दोनों को फेसबुक गूगल इस तरीके से बैलेंस करते हैं कि दोनों का ऐड जाता है और 100 रुपये में आपको धंधा मिल जाता है। स्टेइंग अहेड ऑफ कंपटीटर्स हु आर ऑल्सो एडॉप्टिंग डिजिटल स्ट्रेटजीज, तो उनसे कोई आपका दिक्कत नहीं है, दुश्मनी नहीं होगी, आप अपना पैसा खर्च करेंगे, मार्केट में आप लोगों तक पहुंचेंगे, आपका प्रोडक्ट उनको अच्छा लगेगा, वो आपके साथ जुड़ेंगे, तो कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे मार्केट में दिक्कत होती है, मेरा शोरूम बहुत बड़ा है, उसके आगे 2 लाख रुपए का डेकोरेशन कर दिया, अब गरीब आदमी के पास 2 लाख नहीं है, उसकी छोटी सी दुकान दिख रही है, गिरी सी, बिल्कुल उजड़ी सी, उस पर ग्राहक नहीं जाएंगे। बट डिजिटल दुनिया में ऐसा नहीं है, डिजिटल दुनिया में तो आपकी स्क्रीन के पीछे ग्रीन स्क्रीन लग रही हो तो भी आप एक बढ़िया सा माहौल बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए दिख रहा है ना मेरा माहौल, तो हरा पर्दा लगा के आप बहुत बड़ा गेम खेल सकते हैं, राइट और रॉन्ग, तो यू कैन मेक पूरा इंप्रेशन बना सकते हैं डिजिटल में आप। उसके बाद क्या है, अब कुछ ऐसे टर्म्स आप सीखना चाहेंगे डिजिटल मार्केटिंग के जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, राइट, डिटेल में बताते हैं। तो पहली जो टर्म है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, टाइप कीजिए SEO, अब इंडिया में SEO का सबसे बड़ा गुरु पता नहीं कौन है, मैं तो अपने को ही समझता हूँ, आप कहोगे फेंक रहे हो, SEO किस किस को पता है? देखिए ये गूगल है, गूगल सर्च इंजन, ये सर्च इंजन है, पूरी दुनिया से ढूंढ के देता है चीजें ऊपर, आप इससे पूछो, क्या पूछो, आप इससे पूछो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है वो 1 लाख वेबसाइट्स पर लिखी होगी या ज्यादा, आप इसमें एंटर मारेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर एक वेबसाइट आएगी मेलचिम्प, तो गूगल का इससे कोई खास रिश्ता नहीं है, ये सबसे ऊपर क्यों आई, इस पे जो कंटेंट लिखा हुआ है वो बहुत अच्छा है, इसने SEO की टेक्निक्स बेस्ट अपनाई है और इसने बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, यानी इसने SEO बहुत सॉलिड किया हुआ है, इससे भी ज्यादा किया हुआ है, जो दूसरे नंबर पर आ रही है ना व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इससे ज्यादा अच्छा SEO इसने किया हुआ है, इन्वेस्टोपीडिया से थोड़ा सा कम हबस्पॉट ने किया है, उससे भी कम इसने किया है, उससे भी कम नील पटेल ने, जो नील पटेल कहते हैं ना SEO के नंबर वन है वर्ल्ड में, उससे अच्छा SEO इन्होंने किया हुआ है मेलचिम्प ने, तो कोई भी कर सकता है, कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ रहा है, तो ये SEO के आधार पर गूगल में रिजल्ट्स आते हैं, गूगल को कितना अच्छे तरीके से आप बताते हैं उसको बोलते हैं SEO। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, एक इमेज दिखाता हूँ, मैं SEO कोच हूँ, आप सबको पता है थोड़ा सा, मैं क्या बोलूँ, सेल्स वेबिनार तो है नहीं है ये, देखिए ये इमेज देखिए, SEO वाला बंदा क्या करता है, ये ऐसा लगता है देखने में कि मैं ऐसा करता हूँ, मेरी मम्मी को लगता है कि मौज लेता है, मेरे दोस्त को लगता है कि दिन भर लैपटॉप पे लगा रहता है, बट मैं एक्चुअली मैं करता क्या हूँ, SEO वाला बंदा करता क्या है, गूगल को खुश करता है, सही इमेज है ना, टाइप कीजिए यस, गूगल की पूजा करता है, तो आपको अपना बिजनेस प्रमोट करना है SEO के माध्यम से, तो गूगल को खुश करना है आपको,
गूगल क्या है? सर्च इंजन। गूगल एक सर्च इंजन है। और एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी सर्च इंजन जो चाहता है उसके हिसाब से काम करना, उसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। और अब गूगल में अगर पूछेंगे, ये तो आपको पता है बट फिर भी मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, हो सकता है 1 घंटे पहले चेक किया था ना आ रहा हो। बेस्ट एसईओ कोच इंडिया, भारत जैसे बहुत बड़े देश में बेस्ट एसईओ कोच कौन है? तो पूरे पेज पर कब्जा है ना। तांडव एक बार टाइप कीजिए, तांडव मचा दो। तो एसईओ अपनी वेबसाइट को गूगल में टॉप पर रैंक करने की प्रक्रिया को कहते हैं एसईओ। पहले आपकी वेबसाइट 40वें नंबर पे आएगी, फिर 21वें नंबर पे आएगी, फिर 15वें नंबर पे आएगी, फिर 5वें नंबर पे आएगी, फिर टॉप पे आ जाएगी। और फिर टॉप पे आने का मतलब ये नहीं कि वो टॉप पे ही रहेगी, क्योंकि दूसरा आदमी भी एसईओ कर रहा है दिन रात। तो एसईओ करने के बाद उसको लगातार 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 करते रहना चाहिए, तभी वो टॉप पर आएगा। हम जो टॉप पर आ रहे हैं, दूसरा आदमी सोचता है उससे पहले मैं एक नया वीडियो, नया ब्लॉग लिख देता हूँ, एक नया वीडियो बना देता हूँ, एक नया ब्लॉग लिख देता हूँ, एक नया वीडियो बना देता हूँ, एक नया ब्लॉग लिख देता हूँ एसईओ के ऊपर। इसीलिए गूगल सबसे ज्यादा एसईओ में मुझे दिखाता है इंडिया में, राइट और रॉन्ग। तो इतना ज्यादा काम करना है और स्पीड से काम करना है। वर्क मोर इन फास्ट स्पीड इज इक्वल टू तांडव। ज्यादा काम ज्यादा स्पीड से करना तांडव कहलाता है। और एसईओ में क्या हर चीज में लागू होती है ये प्रक्रिया। अब समझते हैं SERP। SERP टाइप कीजिए। SERP क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस, जैसे आपने सर्च किया यहां पे बेस्ट एसईओ कोच इंडिया, तो ये एक जो पेज खुल के आया है इसके ऊपर 10 रिजल्ट हैं अगर गिनते हैं। वैसे तो बहुत होते हैं बट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, थोड़े बढ़ा दिए शायद इसने, 10 होते थे पहले, तो 10, 11, 12 होते हैं। ये एक पेज हुआ। अब दूसरे पेज पर चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये तो अब चलते ही जा रहा है। पेज पहले पेज आते थे, अभी तो लंबा चौड़ा पेज कर दिया उसने। इसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। और इसके ऊपर आती है रैंकिंग। जो पहले आ रहा है वो नंबर 1 रैंक पर है, जो नंबर 2 पे आ रहा है वो नंबर 2 पे रैंकिंग है। इसको बोलते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। रैंक हायर, यहां पर आपको रैंक लेनी होती है, जो जितना काम अच्छा करेगा उसकी रैंक उतनी अच्छी हो जाएगी। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यानी सर्च करने के बाद जो पेज खुल के आता है, जैसे कि बेस्ट केक डिजाइन, आप केक डिजाइन पूछ लो इससे, बेस्ट केक डिजाइन, बेस्ट केक डिजाइन। अब जो यहां पे खुल के आ रहा है ये, इसे बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्लियर है? SERP मुझे तो नहीं आया था समझ में, मैंने जब SEO शुरू किया था सीखना 2014-15-16 में, तो SERP मुझे समझ में नहीं आया था। अगर आपको आ जाए तो आप ज्यादा होशियार हैं या आपका कोच होशियार है? मेरे पास तो कोई कोच था नहीं, तो खुद से ही स्ट्रगल करना पड़ता था। SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, एंटर मारने के बाद जो खुल के आता है उसे SERP बोलते हैं। मजा आ रहा है क्लास में या बोरिंग है क्लास? ईमानदारी से बताओ, मेरे को खुश नहीं करना है, ईमानदारी से बताना बोरिंग है या मजा आ रहा है। टाइप कीजिए एक बार, इज इट बोरिंग और हैविंग फन? जिनको बोर हो रहे हो बोर लिख दो। देखो जिनको मजा आ रहा है, अब आपको एक कड़वा सच बताता हूं, अगर आपको मजा आ रहा है आज की क्लास में, तो आप अभी उस सफलता वाली स्टेज पर नहीं पहुंचे। क्योंकि मैं आज की क्लास में बोर हो रहा हूं पूरी तरह से, क्योंकि SERP में 50 बार पढ़ा चुका हूं पहले भी। अब एक ही चीज को बार बार करते हैं तो बोर हो जाते हैं, और जब एक ही चीज को बार बार करते हैं तो सफल हो जाते हैं। तो जब आप बोर होने लगो तो समझ जाना कि अब सफलता आने वाली है। मैं आपको दोनों बातें खुल के बता रहा हूं। सचिन तेंदुलकर रोज बल्ला लेके मैदान पे जाता है, अक्षय कुमार रोज वही कैमरे के सामने आके ड्रामा करता है एक्टिंग, नरेंद्र मोदी वही स्टेज पे चढ़ के भाषण देते हैं, तो क्या वो बोर नहीं होते? होते हैं बोर, बट उनको पता चल चुका है
कि इसी बोरियत में सफलता छुपी है। टाइप कीजिए बोरिंग इज सक्सेस, जोर से टाइप कीजिए, आवाज आनी चाहिए बटन्स की, बोरिंग इज सक्सेस, बटनों में से आवाज आनी चाहिए आपके। तो जब आप बोर होने लगो तो समझो सफलता आने वाली है। ओके, उसके बाद अब बात करेंगे हम SEM। एक बार टाइप कीजिए SEM, SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग। गूगल खोलेंगे, गूगल में मैं टाइप करूंगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो यहां पर रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट्स। मैं चाहता हूं कि जब भी कोई गूगल में कुछ सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग, तो मेरा एड सबसे ऊपर आ जाए, जैसे ये दिख रहा है आपको स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ, यानी सर्च इंजन कोई कर रहा है उसको मेरा एड दिख जाए, उसको बोलते हैं सर्च इंजन में मार्केटिंग करना, यानी सर्च इंजन के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोडक्ट्स लेकर पहुंच के जाना, उसको बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। गूगल को देंगे हम पैसे तो वो हमारा एड ऊपर दिखाएगा। सर्च इंजन मार्केटिंग गूगल पर ही होती है, बाकी और जगह होती है, जैसे बिंग पर होती है, याहू पे होती है, बट वो बेचारे इतने छोटे हैं कि उनकी हम बात भी नहीं करते। इतने भी छोटे नहीं है कि बात ना करें, बट इतने छोटे हैं कि बात भी नहीं करते। तो गूगल में लोग सर्च करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूं बेस्ट ऑफिस शर्ट, बेस्ट ऑफिस शर्ट, तो देखिए फिर ऐड आ जाएंगे। ये देखिए स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, स्पॉन्सर्ड टाइप कीजिए एस स्पॉन्सर्ड, नीचे बिना एड वाले आ रहे हैं, बिना एड वाले, बट जो ऊपर आ रहे हैं इन लोगों ने सबने पैसा दिया है, सबने, विस्टा प्रिंट ने पैसा दिया है, और यहाँ बॉम्बे शर्ट कंपनी ने पैसा दिया है, मॉन्क्स ऑफ मेथड ने पैसा दिया है, और हरफन ने पैसा दिया है, मॉन्क्स ऑफ मेथड ने पैसा दिया है, सब ने पैसा दिया हुआ है। सो दे आर पेइंग गूगल, पैसा दे रहे हैं गूगल को अपना एड ऊपर दिखाने के लिए। कहाँ पे दिखाने के लिए? सर्च इंजन में, सर्च इंजन में मार्केटिंग कर रहे हैं पैसे देकर, इसलिए SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। क्लियर है कि और बताऊं इसमें कुछ? इजी था ना ये, सर्च इंजन मार्केटिंग SEM, टाइप कीजिए SEM, क्लियर, सिंपल है ये, बहुत कम। गूगल पर एड चलाने को ही बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, और ये इसे एक और बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इतना ही बोलते हैं शायद, राइट। इसको गूगल एड्स के माध्यम से किया जाता है, गूगल एड्स के माध्यम से, यहां पर एक होता है गूगल एड्स, गूगल एड्स में आप अपना अकाउंट बनाएंगे, काफी नाराज सा लग रहा है गूगल तो मुझे, गूगल एड्स ये देखिए, ये सबसे ऊपर आएगा, ये देखिए ये ads.google.com, यहाँ पर आप जाते हैं, जैसे फेसबुक में एड्स बनाते हैं ऐसे यहाँ पर बनाते हैं, और गूगल एड्स का हमारा पूरा कोर्स है। अगर आप 150 रुपये खर्च करके, 200 रुपये खर्च करके इसको सीखना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो ज़रूर कीजिए, नहीं तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए भी एड चला सकते हैं, राइट, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए भी एड चला सकते हैं। यहाँ पर आप साइन इन करेंगे तो यहाँ पर आप अपना गूगल एड बना सकते हैं, बहुत आसान है इसको चलाना वैसे तो, बट किसी भी चीज में आप धीरे धीरे ही एक्सपर्ट बनते हैं। तो यहां पर ये देख रहे हो आप, ये इस तरह का कुछ दिखता है, अजीब सा दिखता है शुरू में, बट जब धीरे धीरे आप समझने लगते हो चीजें तो आपको समझ में आने लगती हैं, और जब यहां से कमाई होने लगती है तो फिर तो बात ही क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ एड्स चलाए हैं आने पिछले दिनों में, तो थोड़ा सा देख सकते हैं, ये ऐड हमने चलाया था 100 रुपये रोज, 200 रुपये रोज, 200 रुपये रोज, 100 रुपये रोज, 200 रुपये रोज, हमने बहुत ऐड चलाए हैं, 50 रुपये रोज का भी ऐड चलाया हुआ है, 300 रुपये रोज का भी ऐड चलाया है, 101 रुपये का चलाया है, 2000 रुपये एक दिन का ऐड भी चलाया है, ठीक है, 1000 रुपये प्रतिदिन का ऐड भी चलाया हुआ है, 100 रुपये का, 40 रुपये रोज का भी ऐड चलाया है, 32 रुपये रोज का भी ऐड चलाया है, 33 रुपये का भी चलाया है, बहुत पहले, बहुत पुराने ऐड है ये, 98 रुपये का चलाया है, 20 रुपये का भी चलाया हुआ है,
5 रुपए का भी चलाया हुआ है, चला था कि नहीं चला था, बट कोशिश तो करी होगी शायद। 333 रुपए का चलाया है, 200 रुपए का चलाया है, 500 रुपए का चलाया है अभी उस दिन पहले, और 842 रुपए का है, क्या है, 200 रुपए का चलाया है, 50 रुपए का, बहुत सारे ऐड देखे हैं आपने, चला रखे हैं हमने। बट फिलहाल हम सारे ऐड्स फेसबुक पर चलाते हैं, गूगल पर मैं दोबारा शुरू करने वाला हूँ, और जब अपना ऐड चलाऊंगा तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूंगा, आप सीख जाएंगे उससे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उमेश जी आपने, एसईओ से फ्री में एसईएम होता है, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, एसईओ से फ्री में एसईएम होता है। जैसे मतलब अपने माध्यम से दिखाऊं मैं, जैसे कि अगर कोई सर्च करे टॉप लैंडिंग पेज कोच इंडिया, तो ये सर्च इंजन है और यहाँ पे सर्च इंजन में चीजें खुल के आ रही हैं, लोग नॉर्मली ऐड करेंगे तो पैसा देंगे ऊपर आने के लिए, बट हमने एसईओ किया है। या तो आप पैसे देकर आ सकते हैं यहाँ पर, या आप एसईओ करके आ सकते हैं। पैसे देंगे तो आपको हर रोज 100, 500, 1000, 10,000, 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, 1 लाख रुपये देने पड़ेंगे, जितना बड़ा ऐड करना चाहते हैं, बट आपने अगर एसईओ कर दिया है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अब यहाँ एक छोटा सा सीक्रेट बताना चाहता हूँ, सीक्रेट अगर आपको दिख रहा है तो, मेरी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है कई जगह पर, लिंक्डइन कर रहा है रैंक। तो अगर आप बड़ी एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, तो आप लिंक्डइन का बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं, वहां से आपकी रेगुलर अच्छी इनकम हो जाएगी। तो एफिलिएट मार्केटिंग में लिंक्डइन, मीडियम, गूगल साइट्स का फ्री वाला प्लेटफॉर्म, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा फायदा उठाइए, राइट? तो वहां से आपको सीखने को मिलेगा। आगे मैं आ रहा हूँ उमेश जी, आगे शायद ये चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद आता है कंटेंट मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट मार्केटिंग ही सब कुछ है, मतलब क्रिएटिंग एंड शेयरिंग वैल्यूबल रेलिवेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड एंगेज टारगेट ऑडियंस। तो इसमें कंटेंट मार्केटिंग ही है। कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है थोड़ा देख लीजिए आप, कंटेंट मार्केटिंग में सब कुछ आता है, जैसे कि वीडियो, क्रिएटिव्स, इमेजेस, एवरीथिंग। अगर आप हमारा फेसबुक पेज देखेंगे जिसपे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन मत कीजिएगा, 14,000 फॉलोअर्स हैं, बहुत कम है ये मार्केट के हिसाब से, बट हमारा काम कुछ ऐसा ही रहा है अभी तक, तो हमें कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये देखिए, हमने ये कभी आपके सामने डाला था सुबह 7 बजे, अभी थोड़ी देर पहले, ये कंटेंट है, यहाँ से लोग इम्प्रेस हो रहे हैं। उसके नीचे देखिए आप, एक क्रिएटिव बना के डाला है, बड़ा रंग बिरंगा होली टाइप का, होली आ रही है ना, ये कंटेंट है, क्रिएटिव कंटेंट है, इसमें जो लिखा हुआ है ये कंटेंट है। उसके नीचे एक वीडियो बनाइए, रील, ये भी कंटेंट है। तो जितना मिक्स कंटेंट बनाकर आप डालेंगे, आप देखो एक दिन में हमने कितनी पोस्ट करी है, पता नहीं 8, 10, 15 पोस्ट कर देते हैं हम। ये देखिए, ये भी आज का कंटेंट है, ये भी आज का कंटेंट है, मास्टर एसईओ विद सुनील, ये भी आज का कंटेंट है, ये भी आज का कंटेंट है, ये वीडियो है, ठीक है, तो ये भी कंटेंट है, तो दिस इज कॉल्ड कंटेंट। और यूट्यूब पर भी कंटेंट जाता है, यूट्यूब पर भी कंटेंट जाता है रेगुलरली। देखिए ये यूट्यूब, एक वीडियो, दो वीडियो, आज हमने कितनी वीडियो डाल दी, एक दो तीन, तीन वीडियो तो आज डल चुकी हैं, और एक अभी सोने से पहले और डल जाएगी। तो कंटेंट मार्केटिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको भी, और अपने क्लाइंट का अगर करेंगे आप तब भी, अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तब भी, कंटेंट के बिना नैया पार नहीं लगेगी। टाइप कीजिए, कंटेंट इज किंग, आपने सुना भी होगा बट फिर भी एक बार कर दीजिए, राइट? कंटेंट इज किंग। क्रिएटिंग एंड शेयरिंग वैल्यूबल रेलिवेंट कंटेंट, एक तो जब आपका कोई वीडियो देखे या आपका कोई पोस्ट पढ़े तो उसको वैल्यू मिले, ऐसे नहीं हवाबाजी में कुछ भी डाल दिया, वो तो फिर कॉमेडी हो जाएगी। तो अगर आप कॉमेडियन हो तो फिर कॉमेडी डालनी है, वो वैल्यूबल हो जाएगा, राइट? जिससे आपका ऑडियंस आपके साथ एंगेज रहे रेगुलरली, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है पीपीसी, ये थोड़ा बड़ा फैंसी टर्म है, बता बट मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा थोड़ा सा। पीपीसी, पे पर क्लिक, पीपीसी, एक बार टाइप कीजिए पीपीसी, तो दिमाग में ज्यादा बैठेगा आपके, पे पर क्लिक, एन एडवर्टाइजिंग मॉडल वेयर एडवर्टाइजर्स पे अ फी ईच टाइम देयर एड इज क्लिक्ड, राइट? यहां पर मैं आपको कुछ
ईमानदारी की बात बताऊंगा, इसको ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा ध्यान लगा के फोकस के साथ देखिए क्या लिखा है। एन एडवर्टाइजिंग मॉडल वेयर एडवर्टाइजर्स पे अ फी ईच टाइम देयर एड इज क्लिक्ड। कह रहा है कि जब आप एड चलाओगे फेसबुक पर या गूगल पर, वो आपसे सिर्फ तभी पैसे काटेगा जब आपके एड पर कोई क्लिक करेगा, यानी आपके एड पर किसी ने क्लिक नहीं किया तो वो पैसे नहीं काटेगा। समझ में आ गया? एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने फेसबुक पर या गूगल पर एड चलाया, जब तक कोई आपके एड पर क्लिक नहीं करेगा तब तक वो पैसे नहीं काटेंगे, और जब वो क्लिक कर देगा तो पैसे काट लेंगे। क्लियर है? टाइप कीजिए क्लियर। अब मैं आपको यहां पे कुछ एक अलग बात बताऊंगा, और जब वो समझ में आएगी आपको तो आप हिल जाओगे। वैसे तो कुछ बेसिक होगा आपका, बट हिल जाओगे आप। देखिए मैं फिर डालता हूं बेस्ट ऑफिस शर्ट। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये प्रेजेंटेशन क्या कहना चाह रही थी कि जब कोई क्लिक करेगा तभी पैसे कटते हैं। मेरे क्लाइंट्स ने मुझसे 4-5 साल में कितनी बार बोला ये डायलॉग मुझे खुद नहीं पता। सुनील जी पैसे तो तभी कटते हैं ना जब कोई क्लिक करता है। सुनील जी पैसे तो तभी कटते हैं ना जब कोई क्लिक करता है, आपने हमारे पैसे कैसे खर्च कर दिए? तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए गूगल के सर्वर खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मैं ऐड सिर्फ देख रहा हूँ, तो गूगल का सर्वर खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, टाइप कीजिए यस और नो। इसका ऐड दिखाई दे रहा है मुझे एंडमैन का, जोडियक का, तो गूगल के सर्वर खर्च हुए कि नहीं हुए, मेरा इंटरनेट खर्च हुआ कि नहीं हुआ, बिजली खर्च हुई कि नहीं हुई, यानी खर्चा तो हुआ, फ्री में तो नहीं देखा ना ये हमने गूगल का सर्वर। अब हमने कुछ क्लिक नहीं किया, फिर से एंटर मार दिया, फिर भी गूगल का सर्वर खर्च हुआ कि नहीं हुआ, फिर एंटर मार दिया। अब क्या होता है इसमें कि 10 लोगों ने देखा और 100 लोगों ने क्लिक कर दिया तो पेपर क्लिक आएगा 10 पैसा। आप समझिए बात को, डिटेल में समझा रहा हूं, आपके क्या काम आएगी ये बाद में तय करेंगे, अभी समझ लीजिए। 10 लोगों ने खोला, मैंने खोला इसको 10 बार और 100 बार क्लिक कर दिया तो कितना खर्चा आएगा, 10 पैसे पर क्लिक। टाइप कीजिए या लिख लीजिए 10 पैसा पर क्लिक, इतना खर्चा आएगा। बट अगर मैंने इसको 10 बार खोला और मैंने एक ही बार क्लिक किया, अब बताओ कितना खर्चा आएगा? 10 बार क्लिक किया और एक ही बार खोला, अब कितना खर्चा आएगा एक बार बताइए मैथ करके, ईमानदारी से समझिए। ऐसा नहीं है कि गूगल और फेसबुक तभी पैसा काटेंगे जब आप क्लिक करेंगे, ऐसा नहीं है। जितनी बार लोग देखेंगे गूगल और फेसबुक पैसा काटेंगे। आप एक बार क्लिक करोगे 10 में से तो 1 रुपया लेगा, आप 100 बार क्लिक करेंगे तो 10 पैसे लेगा। 1,000 लोग देखते हैं और सिर्फ एक बंदा क्लिक करता है तो वो 100 रुपये पर क्लिक काट लेता है आपसे। और क्या कहता है वो आपसे कि हम तो पीपीसी चला रहे हैं, बट वो पैसे इंप्रेशन के ही लेता है। ये तो ऐसे बात हुई ना, मैं पूरे महीने डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूं आपके लिए, कोई क्लाइंट बनेगा तभी पैसे मांगूंगा, बट बाकी मेरे बच्चे क्या खाएंगे, भूखे मरेंगे। फिर आप बताओ मैं मार दूं अपने बच्चों को भूखा, बताइए? नहीं मार सकते ना, पैसा तो हमें चाहिए। तो फिर हम क्या कहेंगे अपने क्लाइंट से कि सर देखिए पूरे महीने डिजिटल मार्केटिंग की एक क्लाइंट बना, सुनील जी उसका क्या चार्ज लोगे? उसका चार्ज है 20,000, कैसे भी घुमा लो। या फिर वो कहेगा कि अगर 6 क्लाइंट बन गए तो फिर भैया फिर आपका क्लाइंट पड़ गया आपको 3,000 रुपये महीने। तो इंप्रेशन के पैसे लेता है गूगल फेसबुक, आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, कोई बहस करे चाहे मत करे, बट आप समझ लीजिए पे पर क्लिक का कोई जुगाड़ नहीं होता। पीपीसी एक बहम है बट वो जनता को दिखाई देता है पीपीसी। क्लियर है पीपीसी? कंफ्यूजन क्लियर हो गई है? डाउट है बताइए। मैं अगर आपको अपना ऐड दिखा देता हूं, आप मेरा लाइव ऐड देख लीजिए, हल्का सा आइडिया हो जाएगा आपको। वैसे मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता था बट आपको मैं दिखाना चाहता हूं। आपको मेरा फेसबुक ऐड दिख रहा है? टाइप कीजिए यस। तो अगर यहां पर हम एक ऐड दिखा रहा हूं आपको 444 रुपये वाला, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मैं इंटरनेशनल लेवल पर कोचिज को टारगेट कर रहा हूं, ये देखिए
आप देखिए इसमें 1256 रुपये खर्च हुए हैं, कितने रुपए खर्च हुए हैं, 1256, और रिजल्ट कितना आया है, क्लिक कितने लोगों ने किया है, एक बंदे ने, 1256 रुपये में एक बंदा आया है, तो उसने एक बंदे के 1256 नहीं लिए, कल को 1256 में 10 लोग भी आ सकते हैं, तो अभी बोल रहा है कि एक रिजल्ट के 1256 रुपये खर्च हुए, बट अगर कल को 10 आए तो फिर वो बोलेगा 125 रुपये का एक रिजल्ट आया है, बट हकीकत में उसको कोई मतलब नहीं है कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए, उसको मतलब किससे है, 1256 रुपये में उसने 2556 लोगों को मेरा ऐड दिखा दिया, यानी 1 रुपये में 2 लोगों को लगभग दिखा रहा है वो मेरा ऐड, सीधा सीधा उसको इसी चीज से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। टाइप कीजिए क्लियर। अगर मैं आपको पिछले 7 दिन का दिखाऊं, 7 दिन का देखिए, तो 7 दिन में 1751 रुपये की एक लीड है, और अगर आप और देखें 30 दिन का, तो 30 दिन का देखिए, 30 दिन में 656 रुपये की एक लीड है, यानी पीपीसी का कोई फिक्स रेट नहीं है ना, पीपीसी का कोई फिक्स रेट नहीं है, सीधा सीधा 8538 रुपये में उसने मुझे 33,899 लोगों तक पहुंचा दिया, उसमें जिनका मन किया उन्होंने क्लिक कर दिया, 13 लोग आ चुके हैं, उसने 13 से 8538 को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 656 रुपये का पे पर क्लिक आ गया, पर स्टार्ट पर मतलब एक एक का कितना खर्चा आया उसने बता दिया। क्लियर है नहीं है, बताइए, काफी डिटेल में मैंने समझाया है अपना स्क्रीन दिखा के, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो फेसबुक को गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोगों ने क्लिक किया है, उतने ही पैसे लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे होता ना कि भाई 10 रुपये दे दो, अगर 100 लोग क्लिक करेंगे तो हम आपसे जो है 1000 रुपये लेंगे, ऐसा नहीं होता, कहीं कोई प्राइस नहीं होता, होता है तो मुझे जरूर बताइएगा, अट ऐसा होता नहीं है मेरी नॉलेज में, किसी और प्लेटफॉर्म पे होता होगा तो पता नहीं, तो दिस इज कॉल्ड पे पर क्लिक, जो कि हकीकत में पे पर क्लिक नहीं होता है, बट इसको नॉर्मली बोलते हैं पीपीसी, राइट। नॉर्मली आदमी क्या कहता है कि भाई देखो मेरी 656 रुपये में 13 लीड आ गई है, बट फेसबुक को कोई मतलब नहीं है लीड वीड से, उसको तो 33,899 लोगों को दिखाना था 8538 रुपये में। अब देखो मैंने आपको बताया था ना 30 दिन में हमारे खर्च हुए हैं 8538, और इसमें से हमें 4-5 एडमिशन आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं आते, बट नफा का फायदा है, नफा है कि नुकसान है बताइए, प्रॉफिट है कि लॉस है, किस किस को क्लियर है ये बात। तो ऐड चलाने से आपका बिजनेस बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है, ऐड चलाने चाहिए, शुरू शुरू में सीखना चाहिए, 100 रुपये खर्च करके 50 रुपये खर्च करके आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं CTR की, CTR एक बार टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, CTR, CTR, जब आप टाइप करेंगे तभी आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी, ये CTR हम YouTube पे दिखाएंगे आपको। CTR का मतलब क्या होता है, कितने लोगों को दिखाई दिया और कितने लोगों ने क्लिक किया, यानी दिखाई दिया 100 लोगों को और क्लिक किया 5 लोगों ने, दिखाई दिया 100 लोगों को और क्लिक किया 5 लोगों ने, तो CTR कहते हैं उसे, द परसेंटेज ऑफ क्लिक्स एंड एड रिसीव्स कंपेयर टू द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज शोन, 100 बार दिखाया गया बट 5 लोगों ने क्लिक किया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमारा YouTube वीडियो चलता क्यों नहीं है, हमारा YouTube वीडियो चलता क्यों नहीं है, क्या कारण है उसका, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है थंबनेल, आपका थंबनेल अच्छा नहीं है, जैसे मेरा ये थंबनेल है इसको दिखा देता हूं मैं आपको, 32 व्यूज आए कुल, कुल 32 व्यूज आए, ठीक है। अब देखिए CTR, यहां पर पोल पट्टी खुल जाएगी, यहां पर पोल पट्टी खुल जाएगी साफ मेरे चैनल की, देखिए दिख रहा है आपको कितने लोगों ने देखा है, ये 2500 लोगों ने देखी है वीडियो YouTube पर, देखी मतलब दिखाई दी उनको, बट क्लिक कितने लोगों ने किया है, 1.1%, 1.1%, मतलब 1% होता है 25 और टोटल एक और जोड़ दो तो 32, 32 लोगों ने देखा है, यानी लोगों को ये पसंद नहीं आया, क्या पसंद नहीं आया चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, क्या पसंद नहीं आया बताइए मुझे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा YouTube चैनल चल नहीं रहा है, उसका रीजन है ये जो थंबनेल मैंने बनाया था ना, ये लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि सारा डिसीजन तो वो थंबनेल से लेते हैं,
थंबनेल आ जाता पसंद तो सीटीआर कर देते, और जब यूट्यूब देखता है कि इनका सीटीआर कम है तो वो आपकी वीडियो को दिखाना ही बंद कर देता है। क्यों दिखाएगा वो, क्यों अपनी बेइज्जती करवाएगा? क्लियर है, टाइप कीजिए क्लियर। वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाएगा सीटीआर। और फेसबुक ऐड में तो सीटीआर वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपने कितने पैसे दिए हैं, और फिर उसमें भी थोड़ा सुंदरता के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐड आपने कितना अच्छा बनाया है। अब मैं आपको कुछ और वीडियोस दिखाता हूँ सीटीआर समझाने के लिए। जो मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा चल रही है, जो मैंने ऐसे ही बना दी थी टाइम पास, ये देखिए टेलीपैथी की वीडियो बनाई थी मैंने, सीटीआर समझा रहा हूँ आपको। कुछ सिस्टम आज कुछ ज़्यादा ही परेशान था लग रहा है मुझे, ये गूगल का सिस्टम। यूट्यूब पर एक दिन में कितने व्यूज़ आते हैं किसी को मालूम है? बिना देखे बता दो चैट बॉक्स में जल्दी से। देखिए सबसे पहला वाला वीडियो देखते हैं, टेलीपैथी वाला, इसका सीटीआर देखते हैं, इसका सीटीआर देखिए और टाइप कीजिए चैट बॉक्स में क्या सीटीआर है इसका और क्यों इस पे व्यूज आते हैं रेगुलर। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए सीटीआर ही देखिए, 4.8%। टाइप कीजिए एक बार 4.8, दिमाग में बिठा लीजिए। टाइपिंग ऑप्शन खत्म हो गया क्या गाइस? टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, स्पेशल कोर्सेज में भी यही चीज बताई जाएगी आपको, सीटीआर। मैं आज आपको स्पेशल फोकस दे रहा हूं। अगर आपका सीटीआर 4 से कम है यूट्यूब में तो आपको क्या करना है? यूट्यूब पर आप नए हैं पुराने हैं कोई बात नहीं, अगर आपका सीटीआर 4 से कम है तो यूट्यूब आपके वीडियो को दिखाना बंद कर देगा। तो क्या करना है? थंबनेल बदलना है। टाइप कीजिए TN थंबनेल, तमिलनाडु। थंबनेल बदल दे हो तो आपका वीडियो चलता रहेगा। और दूसरी वीडियो दिखाता हूँ राहुल गांधी वाली, ये देखिए इस पे सीटीआर कितना है। ये देखिए 10% सीटीआर आया था, जितनी देर आया था 10% आया था, उसके बाद बंद हो गया था ये, इसलिए व्यूज आ गए थे इस पे। उसके बाद अगली वीडियो दिखाता हूँ इनके पेट में दर्द क्यों है। देखिए इसका सीटीआर देखिए कितना है, 10% का सीटीआर, तो इस पे इतने व्यूज इसलिए आ गए थे, राइट? 10% का सीटीआर। तो वीडियो कोई चल रही है, पहला उसका कारण होता है सीटीआर, दूसरे कारण की बात बाद में करेंगे, अगले मंगलवार को या उससे अगले मंगलवार को। आज सीटीआर समझ लीजिए बस। अगला रीजन भी है भाई, शुरू में व्यूज आए फिर बाद में वीडियो चली क्यों नहीं, उसका अगला कारण भी है, वो हम बाद में आपको बताएंगे जरूर। आज के लिए इतना ही काफी है सीटीआर। अब आगे चलते हैं, क्लिक थ्रू रेट 100 लोगों ने देखा तो अब बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब यहाँ पर भी फ्री में हो सकता है, जैसे अगर हम अपने फेसबुक पेज को आपको दिखा दें तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से पोस्ट करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो इन पोस्ट्स का क्या हो रहा है, कितने लोगों तक पहुंच रही है, ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। इनसाइट्स, एक होता है इनसाइट्स, इनसाइट्स माने अंदर की बात, अंदर हो क्या रहा है। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फेसबुक पेज कैसा परफॉर्म कर रहा है, और अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बढ़िया बात है, और अच्छा कीजिए, नहीं कर रहा है तो सोचिए और अच्छा कैसे किया जा सकता है। आज ब्राउजर थोड़ा डाउन चल रहा है हमारा, बहुत जल्दी जल्दी डाउनलोड नहीं हो रहा। देखिए पोस्ट रीच कितने लोगों तक हुई है, 4 लाख, 4,15,785 लोगों तक हमारी पोस्ट पहुंची है, 4.25 लाख मोटा मोटी पहुंची है। बट कितने लोगों ने ध्यान दिया है उसे बोलते हैं सीटीआर, एक तरीके से अंदाजन 13,000। 4.25 लाख लोगों में से सिर्फ 13,000 लोगों ने ध्यान दिया है, यानी हमारा कंटेंट ध्यान देने लायक नहीं था। न्यू फॉलोअर्स कितने आ गए, 87, राइट? टॉप परफॉर्मर, सबसे ज्यादा पोस्ट कौन सी चली है, 20,284 लोगों तक पहुंची थी ये पोस्ट, 19,458 ने ध्यान दिया है। अब देखिए कहाँ 4.25 लाख में से 13,000 ने ध्यान दिया है, और कहाँ इस पे 20,000 से 19,000 ने ध्यान दिया है। इतना बढ़िया है इसका जो है 1,336, 1,336 लोगों ने ध्यान दिया है, 20,000 लोगों को दिखाई थी ये फेसबुक ने पोस्ट, 1,336 लोगों ने ध्यान दिया है। कितने परसेंट हुआ, मोटा मोटी ये हुआ 5% से थोड़ा ज़्यादा। और यहाँ कितना है, 4.25 लाख में से 13,000, 4.25 लाख में से 13,000, 41 होगा 10%, 41 का आधा
20, ये ऊपर वाला 5% से भी कम है, बट ये 5% के आसपास है। वही वाली बात आ गई, 4% से ऊपर होना चाहिए CTR आपका, तो ये एंगेजमेंट होती है आपकी। कंटेंट कौन सा चल रहा है यहाँ पता लग जाता है, कौन सी उम्र के लोग देख रहे हैं आपके पेज को वो पता लग जाता है, कितने फॉलोअर्स हैं ये पता लग जाता है। आप यहाँ से पूरा जो है देख सकते हैं और उसकी स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं कि आपका पेज पर आपको क्या डालना है। अगर मैं आपको आज बताऊं सबसे ज़्यादा किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं लोग, तो या तो कॉमेडी या फिल्में या रील्स मस्ती वाली। अब हम लोग मस्ती ज़्यादा कर नहीं सकते ना, कोच आदमी है फिर भी कभी कभी कर लेते हैं, बट मोटिवेशन वाली जो पोस्ट हैं वो अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी तो हमारा बंदा 2-3 दिन से छुट्टी पे था, ये देखिए 9 लाइक्स आए, बाकी पोस्टों पर लाइक नहीं आए होंगे, 2 आए होंगे, किसी पर आया ही नहीं होगा लाइक, 1 लाइक। तो मोटिवेशन वाली पोस्ट जो है इस तरह की होती है ना, इन पर ज़्यादा परफॉर्म होता है। इस तरह की पोस्ट डालकर आप अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं और फिर उनके बीच बीच में अपना बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं। यहाँ देखिए 18 लोग, ये देखिए 18 लोग, यहाँ देखिए कुछ लोगों ने किया है लाइक। और काम की कोई पोस्ट होगी ना उस पर कोई लाइक वाइक नहीं आएगा, काम की पोस्ट पर कोई नहीं आएगा, जो काम की होगी इस पर कोई लाइक नहीं है, इस काम की पोस्ट पर कोई लाइक नहीं आएगा। आप समझ जाओ, भगवान जी की पोस्ट पर बहुत चलती हैं, भगवान जी की पोस्ट डाली है, मोटिवेशन की पोस्ट डाली है, हंसी मजाक के चुटकुले डाली है, तो इससे आपका जो फेसबुक पेज है ना ग्रो करेगा। क्लियर है बात, टाइप कीजिए क्लियर। और आप अगर उसमें रहेंगे ना, क्या बोलते हैं, अपने ही अपनी दुनिया में रहेंगे कि भैया मैं तो कोच हूँ, मैं तो सिर्फ कोच वाली पोस्ट डालूंगा, तो आपके पेज को कोई लाइक नहीं करेगा और कोई फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे आपके। आपका साड़ी का शोरूम है, सिर्फ साड़ी की पोस्ट डालूंगा, नहीं बढ़ेगा आपका पेज। ज्वेलरी की पोस्ट डालूंगा, नहीं बढ़ेगा। आपको बीच बीच में मोटिवेशन, ट्रेंडिंग और फैंसी पोस्ट, थोड़ा सा सुंदर, थोड़ा सा कुछ तड़कता भड़कता, ये सारी स्ट्रेटजी शामिल करनी पड़ेगी। टाइप कीजिए नोटेड, ये इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको। अगर मैं आपको वही दिखाऊं, संजय डोबारा, ऐसे लोगों ने हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा हुआ है कि अरे गुरुजी आप तो कोच बने बैठे हो, हमें देखो, हमें देखो, 17,000 फॉलोअर है हमारे, तुमसे ज्यादा फॉलोअर है हमारे, ये देखो इनकी सारी पोस्ट ऐसी ही हैं। तो आप इस संजय दोबारा से भी सीख सकते हैं, एक कौन है मैं नहीं जानता, बट इसका पेज मैंने देखा था तो मैं आपको बता रहा हूँ, छुपा नहीं रहा हूँ आपसे, सारी पोस्ट ऐसी हैं इसकी, सारी पोस्ट ऐसी हैं, और इन्हीं पोस्ट से इसके फॉलोअर 17,000 हो गए हैं। आपके कितने फॉलोअर हैं जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, ईमानदारी से थोड़ा सा चुभेगा आपको। बताइए कितने फॉलोअर हैं आपके फेसबुक पेज पर, 0, 1, 2, 1,000, 10,000, कितने हैं? तो चुभना चाहिए, चुभेगा नहीं तो काम करेगा नहीं, चुभना बहुत जरूरी है। तो इसे बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग पर आप पेड एड भी चला सकते हैं, जैसे गूगल पर SEO से फ्री में होता है, यहाँ भी फ्री में हो जाता है, फ्री में बहुत कुछ हो जाता है अगर करें तो। मैं फिर बोल रहा हूँ, फ्री में बहुत कुछ हो जाता है। मैंने जो अपने YouTube चैनल से 50 से 60 लाख रुपया कमाया है वो सब फ्री में कमाया है। मेरे पास जितने ही बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं वो सब फ्री में आते हैं, पेड एड से सस्ते वाले आते हैं। तो फ्री में बहुत कुछ किया जा सकता है, उसकी स्ट्रेटजी बनानी होती है, और वो सारी स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। उसके बाद आती है ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का ईमेल मार्केटिंग, सेंडिंग ईमेल्स टू अ लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स विद द गोल ऑफ नर्चरिंग लीड्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू कस्टमर्स। ये तो बड़ी छोटी सी चीज थी, बट आप ईमेल मार्केटिंग को ऐसे समझो, नॉर्मली आपने कोई लड्डू बना दिया, लड्डू माने होता है फ्री गाइड। टाइप कीजिए लड्डू, LADDO, लड्डू, लड्डू समझिए आप, फ्री गाइड को लड्डू बोलते हैं हम लोग। आपने लड्डू बना दिया है, सोशल मीडिया पर डाल दिया, जैसे कि पैसे कमाने के 3 सीक्रेट, वजन घटाने के 3 सीक्रेट, परिवार में खुशी बढ़ाने के 3 सीक्रेट, इसे लड्डू बोलते हैं, फ्री गाइड। वो हमने सोशल मीडिया पर दे दी, लोग वहां पर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर भर देंगे और वो डाउनलोड कर लेंगे उस गाइड को। उस गाइड को जैसे ही लोग वो लोग डाउनलोड करेंगे तो हम उनको तुरंत एक ईमेल भेज देंगे अपने सिस्टम से कि स्वागत है आपका, वेलकम, ये आपकी गाइड है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब उस बंदे का नाम, ईमेल आईडी हमारे सिस्टम में आ चुका है, अब उसको हम कभी भी ईमेल भेज सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? टाइप कीजिए यस और नो, किस किस को समझ में आ गया है? टाइप कीजिए यस।
बंदे का ईमेल लेना भी बड़ी बात है। बंदा अपना ईमेल आईडी देगा क्यों आपको? कुछ आप उसको वैल्यू दे रहे होंगे तभी तो देगा, क्यों प्रवीण जी? है ना? बिल्कुल। इसीलिए आपको YouTube पर वीडियो बनानी है और ब्लॉग लिखने हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालनी है और वहां पर लड्डू देना है लोगों को, भंडारा करना है फ्री में। भंडारा खाने के चक्कर में लोग ईमेल आईडी फोन नंबर दे देंगे और फिर उनको आप अपने हिसाब से सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अपना एफिलिएट मार्केटिंग करनी हो, ऑटोमेटेड करते हैं इसको पूरा काम, सब ऑटोमेटेड है ये, राइट? सब ऑटोमेटेड है, राइट? ऑसम। तो इसको बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग हम तब भी कर सकते हैं जब हमें क्लाइंट्स चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, यहाँ पे कौन कौन सोशल मीडिया मार्केटर बनना चाहते हैं, कैमरा किस किस का ऑफ है? क्लास छोड़ दो भाई, जिनका कैमरा ऑफ है क्लास छोड़ दो, क्लास में नहीं हो ना आप, फिर मजे ले रहे हो आप, फिर ऐसे नहीं होता। क्लास में बैठे हैं तो थोड़ा सा कष्ट दूंगा मैं आपको, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, क्लास में है तो क्लास का व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं क्लास में बुला लूंगा, आ जाओ मेरी क्लास में आ जाओ, फिर किराया खर्च करके आना पड़ेगा, टाइम खर्च करके आना पड़ेगा, आ जाओ फिर क्लास में, डंडा लेके पढ़ाऊंगा, मास्टर बन जाऊंगा, ठीक है? जैसे कि आप सोशल मीडिया मार्केटर बनना चाहते हैं, क्लाइंट बनाना चाहते हैं, राइट? या फिर आप यूट्यूब चैनल ही चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको ईमेल मार्केटिंग जरूरी है। मैं बताता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, ईमेल मार्केटिंग को अवॉइड नहीं करना चाहिए आपको, ईमेल मार्केटिंग अवॉइड नहीं करनी है आपको। आप बेशक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और यूट्यूब में आपके जनवरी फरवरी में आज 6,000 सब्सक्राइबर हैं और दिसंबर में आपके हो गए 50,000 सब्सक्राइबर, आने वाले दिसंबर में 50,000 सब्सक्राइबर हो गए, बट ये डेटा आपका ईमेल में नहीं आया आपके पास। तो यूट्यूब में जिन्होंने जनवरी फरवरी में सब्सक्राइब किया था ना, वो भूल जाएंगे आपके चैनल को, ये विश्वास कीजिए मेरा, क्योंकि आप हो कोच या बोरिंग टॉपिक पढ़ाते हो आप, पढ़ाते हो आप, जोक तो करते नहीं हो, मस्ती तो करते नहीं हो, ऐसी ऐसी बोरिंग चीजें बताते हो आप, तो लोग छोड़ के चले जाएंगे, आपका यूट्यूब देखेंगे नहीं। बट आपके पास उनका ईमेल आईडी आ चुका है, तो आप उनको ईमेल भेज सकते हो कि भैया देखो कल मेरी एक फ्री वाली क्लास हो रही है, आ जाओ। आप उनको एक ईमेल भेज सकते हो कि देखो मैं फ्री में माइक बांट रहा हूँ, आ जाओ, मैं फ्री में कैमरे बांट रहा हूँ, आ जाओ, फ्री में मोबाइल बांट रहा हूँ, आ जाओ। आप मोबाइल बांटोगे दो, और लोग कितने आएंगे अटेंड करने? 2 लाख, 2,000, 20,000, 45,000। इसीलिए अपना डेटा बनाना बहुत जरूरी है। टाइप कीजिए डेटा या लिस्ट, लिस्ट लिखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लिस्ट बनाना। टाइप कीजिए लिस्ट इन द चैट बॉक्स, आप चाहे इंस्टाग्राम पर हैं चाहे कहीं पर भी हैं। जो लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं वो ज्यादा मेहनत करते हैं और रिजल्ट्स कमाते हैं उनको, और जो लोग लिस्ट बनाते हैं वो कम मेहनत करके भी बड़ा रिजल्ट बना लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ, 6,000 सब्सक्राइबर है मेरे, बट किसी यूट्यूब वाले के 10 लाख सब्सक्राइबर होंगे, उससे भी ज्यादा पैसे मैं कमाता हूँ। 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब से भी ज्यादा पैसे मैं कमाता हूँ, ऑन पेपर, ऑन पेपर, हवाबाजी नहीं है ये, राइट? फ्री ई बुक वेबसाइट पर डालनी है, हाँ बिल्कुल डालिए, आप लैंडिंग पेज पर डालिए, वो आपका 101 बुक कर लीजिएगा, उसमें मैं करवा दूंगा पूरा, आप चिंता वाली बात तो है नहीं आपकी, तो राइट? आई होप लिस्ट की इंपॉर्टेंस को आप भूलेंगे नहीं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके पास लिस्ट होगी तो ध्यान दीजिए कन्वर्टिंग देम इनटू कस्टमर्स, आप उन लिस्ट को कभी भी अपना ग्राहक बना सकते हो। बट अगर लिस्ट नहीं होगी तो कैसे पहुंचोगे उनके पास, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आता है एनालिटिक्स, जैसे मैंने आपको अभी फेसबुक का दिखाया था, कितने लोग पेज पर आ रहे हैं, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग रुक रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, तो इसको चेक करना बहुत जरूरी है। इसी के आधार पर आप अपना डिसीजन लेते हो कि मुझे कंटेंट कुछ बदलना है, कुछ इम्प्रूव करना है, या फिर इसी को कंटिन्यू करना है। इसको बोलते हैं विश्लेषण हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं एनालिटिक्स, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में कितना दम है समझने के लिए एनालिटिक्स करते हैं। अगर मैं आज आपको अपना ईमेल आईडी का परफॉर्मेंस दिखा दूं तो आप हिल जाएंगे। बताइए, मैं 6,000 ईमेल भेजता हूँ, कितने लोग ईमेल खोल के देखते हैं बताइए जरा, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए तुक्का, सही सही तुक्का लगाइएगा, दिल से, आंख बंद करके नहीं, पूरी फीलिंग लेके तुक्का लगाइए। 6,000 लोगों को ईमेल भेजता हूँ तो
तो कितने लोग ईमेल खोल कर देखेंगे बताइए एक बार चैट बॉक्स में। वाह 500 से 1000, यात्रा जी कह रही है 100, अजय जी कह रहे हैं 100, बढ़िया है देखते हैं। आप मैं तो दिखाई देता हूं आपको, ये मेरा ईमेल है देखो, न्यूज़लेटर आप देख लीजिए, 4071 लोगों को भेजा है, 309 लोगों ने देखा है। ये तो अभी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, यहाँ देखिए 3851 लोगों को भेजा है, 215 लोगों ने खोला है, 5991 लोगों को भेजा है, 190 लोगों ने खोला है। और चलते हैं नीचे, यहाँ देखिए 5257 लोगों को भेजा है, 216 लोगों ने खोली है ईमेल, खोली है, यहाँ पर भी ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, 216 लोगों ने सिर्फ खोली है, 16 लोगों ने सिर्फ क्लिक किया है। अब आप यहाँ पे समझिए, सीक्रेट समझिए, थोड़ा सा चुभेगा भी आपको, दर्द भी होगा, बट भाई ऑप्शन नहीं है ना कोई। 5257 लोगों को ईमेल भेजा है, 216 लोगों ने खोल के देखा है, और खोल के देखने के बाद कह दिया है हट बे, और सिर्फ 16 लोगों ने क्लिक किया है कि हाँ चलो एक बार देख लेते हैं क्या है। यहाँ 72 लोगों ने क्लिक किया है, 22। अब आप सीक्रेट समझो कि अगर मेरे पास 5257 लोगों की लिस्ट है तो 216 लोग खोल के देखेंगे, तो 16 लोग आएंगे मेरी क्लास में, 16 लोग क्लिक करेंगे और आएंगे तो 4-5 ही बस। ये जितना बड़ा लिस्ट होगा आपका उतने ज्यादा ग्राहक बनेंगे आपके। अगर ये 1 लाख की थी लिस्ट तो मेरी क्लास में फिर कितने लोग आ सकते थे, कैलकुलेट करके बताइए आप कितने लोग आते मेरी क्लास में अगर ये 1 लाख की होती। अभी आते हैं 4-5, कितने होते, अगर 1 लाख की होगी तो 20 का गुणा हो जाएगा बस, 20 का गुणा, 16 दूनी 32, 320 लोगों की फिगर यहाँ होती, और उसका भी आधे से थोड़ा कम मेरी क्लास में आते, यानी लगभग 50-60 लाख, 50-60 लोग मेरी क्लास में आते 1 लाख की लिस्ट पर। तो लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतने ज्यादा ग्राहक बनेंगे आपके, ये बात जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना फायदे में रहोगे। बहुत सारे लोग लिस्ट नहीं बनाते, अरे 10,000 की लिस्ट बनाएंगे तब इतना आएगा, ये तो बेकार है। बेकार नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप या तो 10,000 की लिस्ट बना के 25 लोगों को ग्राहक बना लो, या किसी की लिस्ट मत बनाओ, किसी को ग्राहक मत बनाओ, कौन सा बेटर है बता दीजिए, नो लिस्ट और लिस्ट। अब आप कहोगे भैया नेटवर्क मार्केटिंग भी इसलिए छोड़ी थी कि लिस्ट नहीं बनानी थी, कौन कौन नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका है थोड़ी बहुत, टाइप कीजिए NM, नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपने करी है तो। वहां भी तो लिस्ट बनवाते थे आपसे, लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ, घर पे जाओ लिस्ट बनाओ, वहां भी बनवाते थे। तो लिस्ट तो आपको हर जगह बनानी पड़ेगी, हर जगह एवरीवेयर। कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें लिस्ट नहीं बनानी, जरा बता दीजिए। अगर लिस्ट नहीं बनाएंगे तो बिजनेस कम चलेगा, जैसे पान वाले की दुकान है, उसको लिस्ट नहीं बनानी पड़ती, बट अगर वो भी लिस्ट बनाएगा तो उसका बिजनेस और ज्यादा चलेगा। साड़ी शोरूम वाला लिस्ट नहीं बनाता है नॉर्मली, बट अब बनाने लगे हैं, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाते हैं, ईमेल लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, रिव्यूज लेते हैं कि नहीं, टाइप कीजिए यस। हर जगह लिस्ट बनानी है, लिस्ट बन के ही आप पैसा कमा सकते हैं, मोटा मोटा पैसा लिस्ट बनाकर ही कमा सकते हैं आप, अदरवाइज नहीं। मैंने तो आपको सारे कच्चे चिट्टे दिखा दिए अपने, उसके बाद क्या है अगली कहानी। अगली कहानी यह है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उन पर नजर रखिए, कीपिंग एन आई, उन पर नजर रखिए कि क्या क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है। AI आ चुका है, AR आ चुका है, VR आ चुका है, चैट बोट्स आ चुके हैं, ऑटोमेटिक रिप्लाई, और हर चीज ऑटोमेटिक हो चुकी है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ना आपके क्लाइंट को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, सब कुछ बहुत बढ़िया होता है, राइट। और क्या है, और यह है कि आपको जो डिजिटल मार्केटिंग करनी है अपनी, वो लैपटॉप के हिसाब से नहीं करनी है, लैपटॉप पर बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम, मेरे जैसे और आपके जैसे लोग आते हैं जो कुछ कर रहे हैं, नॉर्मल जनता नहीं आती, नॉर्मल जनता हमारी ग्राहक बनती है। तो जो भी मार्केटिंग करनी है वो मोबाइल को ध्यान में रखते हुए करनी है कि बंदा मोबाइल पे देखेगा, वेबसाइट बनानी है तो ऐसी बनानी है कि मोबाइल पे देखेगा, एड बनाना है तो ऐसा बनाना है कि मोबाइल पे देखेगा,
वीडियो बनानी है तो ऐसी बनानी है कि मोबाइल पे देखेगा। तो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच टाइप कीजिए, MFA, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच रखनी है। और सारी डिजाइन कैसी बनानी है, रिस्पॉन्सिव। वैसे तो बहुत पुराने जमाने की बात है ये, ऑटोमेटिक सब कुछ रिस्पॉन्सिव ही होता है आजकल, तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है इसमें। ये है सबसे खतरनाक पेज आज की क्लास का। टाइप कीजिए KS, ये है क्रांतिकारी स्टेप आज की क्लास का। सबसे क्रांतिकारी है, मैं बोल रहा हूं आपको। ये ऐसे समझ लो जैसे पैसा सड़क पर पड़ा हुआ है और आप उठा नहीं रहे। वीडियो मार्केटिंग, उसने भी क्या शब्द इस्तेमाल किया है, द राइज। राइज माने क्या होता है, कोई चीज बहुत ज्यादा उठ रही है। और वीडियो कंटेंट, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह वीडियो छा रही है इस समय। अगर आप वीडियो बना सकते हैं तो अपनी जिंदगी बना देंगे आप। वीडियो बनाना इज इक्वल टू जिंदगी बनाना। टाइप कीजिए, वीडियो बनाना इज इक्वल टू जिंदगी बनाना। एक वीडियो डेली बना सकते हैं आप, जितनी देर में ब्रश करते हैं उतनी देर में एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल सकते हैं। जितनी देर में ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, इतनी देर में आप दो वीडियो बना के डाल सकते हैं। मैं एक वीडियो आपके सामने अभी बना के दिखाऊंगा, मैं आपके सामने दो वीडियो बना के दिखाऊंगा आज की क्लास में। एक वीडियो बनाऊंगा अपनी और एक वीडियो बनाऊंगा AI से, ठीक है? तो वीडियो बनानी ही बनानी है। टाइप कीजिए एक बार, बनानी ही बनानी है। एक बार टाइप कीजिए, बनानी ही बनानी है। पूरा लिखिए, ऐसे नहीं, शॉर्ट में नहीं चलेगा, बनानी ही बनानी है। और सबका चाहिए मैसेज, ये क्लास वर्क है, ये क्लास वर्क है, छोड़िए मत इसको। दिमाग में बैठाएंगे अगर कमेंट करेंगे तो, बनानी ही बनानी है, कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं बनाएंगे तो। और उसके बाद आपने देखा है आजकल हमारे घरों में एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, हेलो गूगल, टीवी, टीवी का रिमोट भी सुन के चला देता है सब चीजें। मेरे घर में तो अभी बहुत दिनों बाद आई है वो टीवी, बहुत से घरों में तो बहुत पहले से है। रिमोट दबाते हैं, उसमें एक बटन होता है, कहते हैं पेपा पिग यूट्यूब। मेरी बेटी चलाती है पेपा पिग यूट्यूब, तो रिमोट दबा के टीवी चल जाती है और पेपा पिग यूट्यूब पर उसमें ऑटोमेटिक चलने लगता है। तो इसीलिए कंटेंट ऐसा बनाना है कि कोई अगर सर्च करे बोल के तो भी आपका कंटेंट मिल जाए, बोल के सर्च करे। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये गूगल है और गूगल से आप बोलकर भी पूछ सकते हैं सारी चीजें आजकल। तो अपना कंटेंट कुछ ऐसा बनाना है जो लोग बोलकर भी पूछें तो उनको पता चल जाए गूगल को कि आपका कंटेंट दमदार है। एक सेकेंड, मैं से पूछूंगा, गूगल भारत देश में SEO का सबसे बड़ा कोच कौन है? ये रेलवे कोच पर चला गया है। ये थोड़ा गलत समझ गया। चलिए फिर इंग्लिश में पूछते हैं, हु इज द बेस्ट SEO कोच इन इंडिया? देख रहे हो, बोल के पूछा है हमने से, तो ये बोल के जवाब भी देता है। मोबाइल पे बोल के पूछोगे तो देखिए ऊपर मेरी एक वीडियो आ रही है, एक यहाँ पर, एक वीडियो मेरी यहाँ पर आ रही है, दो, अरे मेरी वीडियो आ रही है, और नीचे मेरा रिजल्ट टॉप पे आ रहा है। आप अपने अगर मोबाइल से पूछोगे ना हु इज द बेस्ट SEO कोच इन इंडिया, तो बोल के बताएगा। आप इससे पूछो, अपने मोबाइल से पूछो, जैसे कि देखो मैं इससे अपने मोबाइल से पूछता हूँ, आप ट्राई कर सकते हो, आपने किया होगा ट्राई, बट आप कर सकते हो। जो होम बटन होता है उसे दबा के रखिए तो गूगल खुल जाएगा। गूगल, बच्चों के लिए सबसे बढ़िया खिलौने कौन से हैं? I found this on the web. बोल के बताता है, ठीक है? गूगल, पाकिस्तान में कौन कौन से पहाड़ हैं? Here is information from Wikipedia. तो बोल के बताता है पाकिस्तान में कौन कौन से पहाड़ हैं। गूगल, मैं वीडियो क्यों बनाऊं, वीडियो बनाने से क्या फायदा होगा? I found this on the web. हाँ, तो ये सब चीज बताता है। आप गूगल से बात करके भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आप इससे पूछो, गूगल, मैं सुनील चौधरी से डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखूं? These came back from a search. उसने मेरी वीडियो लाके दे दी कि इन वीडियो को देख लो, पता चल जाएगा क्यों सीखनी है। उसने जवाब दे दिया। तो ये हर चीज का जवाब देता है। तो आपको अपना जो कंटेंट बनाना है ऐसा बनाना है कि लोग बोल के भी सर्च करें तो आपका कंटेंट आ जाए। और आपने अगर ध्यान दिया होगा, पुराने जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, कि मैं हमेशा
आपके ब्लॉग पोस्ट में एक चीज लिखवाता हूँ एंड में, क्या लिखवाता हूँ? FAQs, FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। वो इसीलिए लिखवाए जाते हैं कि गूगल भी समझ जाए और वॉइस सर्च में लोग FAQ ही पूछते हैं। राइट और रॉन्ग टाइप कीजिए, राइट। तो FAQs इसीलिए लिखवाए जाते हैं कि वॉइस सर्च में आपका जो है काम बढ़िया से हो जाए। तो एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट में भी आपका नाम घर घर में बोला जाएगा अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी तो मेरी एक स्टूडेंट ने, उन्होंने क्या किया, बिंग पे जाके मेरे बारे में सर्च किया, बिंग पे जाके मतलब, और वो इतनी खुश हुई कि हमारा टीचर मतलब यहाँ पर भी रैंक करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। तो आप गूगल पे जब कंटेंट लिखते हो ना, तो वेस्ट नहीं जाता है, वो परमानेंट इतिहास बन जाता है, इतिहास। मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब मैं तो कभी खोलता नहीं है एज एज ब्राउजर, बिंग होता है उसमें। बिंग आपको पता है, चैट जीपीटी का पेड वर्जन फ्री में यूज कर लेते हो आप बिंग पर, बट वो थोड़ा मजेदार नहीं है, इसलिए थोड़ा बोरिंग लगता है वो, और लोगों को फैंसी चीजें ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मुझे क्या डालना है, बिंग चैट डालना है ना। कोई गाइड कर देना भाई चैट बॉक्स में मुझे, मैं कहीं भटक जाऊं तो। मैं बिंग ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर डालना है मुझे बिंग चैट। बिंग चैट मैंने यहाँ डाल दिया, अब कुछ खुल के आएगा, मुझे नहीं पता क्या खुलेगा, मुझे बहुत सी चीजें नहीं पता होती, तो मैं वेट कर देता हूँ, सीक्रेट बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर उन्होंने डाला था टॉप SEO कोच इंडिया, बिंग चैट में डाला था, चैट में, गूगल में तो आ जाता हूँ मैं सर्च रिजल्ट में, उन्होंने चैट में डाल दिया था और फिर बिंग में डाला था। वो बड़ी खुश हुई थी, आज वो आएगा नहीं आएगा पता नहीं, रिजल्ट उस दिन तो आ रहा था। सौरभ जैन, ताली बजा दीजिए यार चैट बॉक्स में जरा एक बार, मदारी का किल सफल हो गया। इंडिया में बिंग चैट आपके टीचर को यहाँ टॉप पे दिखा रहा है, आप प्राउड कर सकते हो भाई। और आपको क्या फायदा होगा ये मत पूछना, दिल खोल के सारी नॉलेज शेयर करता हूँ, आज की है अगले सेशंस में करूंगा, डेली मॉर्निंग में सपोर्ट देता हूँ, एक्स्ट्रा क्लासेस देता हूँ, आपके आपके लिए बैठा हूँ मैं यहाँ पर। और आपको बड़ी बात बताता हूँ, बड़ी बात, 2020 में दीपक कनकराजू नेशनल लेवल के कोच हुआ करते थे, और मैं एक छोटा सा कोचिंग सेंटर अपने शहर में एक छोटे से कमरे में चलाता था, राइट। बट मेरे को नॉलेज बहुत थी, मैंने दीपक कनकराजू को ज्वाइन किया था सीखने के लिए कि भाई ये क्या सिखाते हैं। ज्वाइन करने के बाद पता चला कि उनकी क्लास में उनके बच्चों को मैं ही सिखा रहा था, ये हुआ है मेरे साथ, रियल में हुआ है। और आज मैं अपने उन टॉप के लोगों के बीच में खड़ा हूं यहाँ पे। क्यों खड़ा हूं? क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है। आपको क्या लग रहा है, हवा हवाई है कि कोई और वर्ड है आपके पास? कुछ वर्ड हैं, शब्द हैं इसके लिए आपके पास? मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास कोई शब्द है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे, आप लोग जुड़े, विश्वास किया, सीखा, तभी मैं यहाँ पर। तो इसीलिए कंटेंट आप गूगल पर डालते रहिए, आप ब्रांड बन जाओगे, समझ रहे हैं आप? कंटेंट गूगल पर डालना है, गूगल मतलब इंटरनेट पर, गूगल मत बोलिए, इंटरनेट बोलिए। कंटेंट अपनी वेबसाइट पर डालना है, कंटेंट अपनी यूट्यूब चैनल पर डालना है, राइट। आप यहाँ पर कुछ भी पूछिए, बिंग चैट है देखिए, इसे पूछिए हु इज टॉप, मुझे नहीं पता, मैं इसको सर्च नहीं करता हूँ, टॉप लैंडिंग पेज कोच इंडिया ऐसे पूछते हैं, देखो क्या आता है। मेरी वेबसाइट भी दिखा रहा है वो, SEO सुनील, सुनील टाइम्स ऊपर दिखा रहा था, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि काम बहुत किया है, तो काम बहुत करना है। ओए भगवान, इसने सबसे ऊपर हमें दिखा दिया, ठीक है देखिए। और अगर मैं इससे कुछ पूछता हूँ, हु इज लीडिंग डिजिटल कोच इन द वर्ल्ड, अरे वाह, कह रहा है इन द वर्ल्ड पूछो, इन द वर्ल्ड पूछो, इन द वर्ल्ड पूछ लेते हैं भाई, इन द वर्ल्ड पूछ लेते हैं, हु इज लीडिंग डिजिटल कोच इन द वर्ल्ड पूछ लिया मैंने। और मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ यहाँ पे आज बिंग पे, मैं आता ही नहीं हूँ बिंग पे, तो आपने देखा मैंने आज पहली बार शायद बिंग खोला है, पुराने लोगों को पता है।
देखो शायद थोड़ी सी इज्जत रख ले वर्ल्ड में भी, हमारे गुरुजी आ गए। किस किस को पता है मेरे गुरु सिद्धार्थ राजशेखर हैं? बहुत सारे हैं वैसे तो, बट सिद्धार्थ जी मेन मेन गुरु हैं, हमारे मुख्य गुरुओं में से एक है। यहाँ तो वर्ल्ड में इसने भाई साहब लपेट दिया, वर्ल्ड में हटा दिया हमारा नाम। हाँ चलो, वर्ल्ड में नहीं दिया इसने। अब भाई सोचो बेचारा कितना ही देगा, है ना? लीडिंग डिजिटल कोच, वर्ल्ड में हमारा नाम नहीं दिया है, बट आ जाएगा वो। किसको किस किस को लगता है आ जाएगा? टाइप कीजिए मी, जिसको एसईओ आता है वो कोई भी कीवर्ड अपना रैंक करा सकता है। जिसको एसईओ आता है वो अपना कोई भी कीवर्ड रैंक करा सकता है। आज मुझे पता चल चुका है कि मैं वर्ल्ड में नहीं आ रहा हूँ, इसका मतलब पता है आपको क्या होगा? अब किस किस को अंदाजा है क्या होने वाला है? गुरु जी को सदमा पहुंच गया, ईगो हर्ट हो गया। पॉजिटिवली हमें पता चल गया हम इस कीवर्ड पर रैंक नहीं कर रहे, ये भी बड़ी बात है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे वो तो हम ही जानते हैं। और देखिए इंडिया में, इंडिया भी कोई छोटी जगह नहीं है दोस्त। ठीक है, इंडिया में गुरु जी और मैं, गुरु का चेला, हम टॉप पर हैं, है ना? देख लीजिए आप, इंडिया में तो गुरुओं के बीच में खड़े हैं चेले जी। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। आप थोड़ा सब्र के साथ मेरे साथ बने रहिए तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। थोड़ी सी मार्केटिंग कर दी मैंने दोबारा से, आपको विश्वास दिला दिया। ठीक है, उसके बाद ई कॉमर्स जो है उसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। द ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग एंड द नीड फॉर इफेक्टिव ई कॉमर्स स्ट्रेटजीज। अगर आप ई कॉमर्स में कुछ करना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ई कॉमर्स का मतलब होता है वेबसाइट पर अपना सामान बेचना, वेबसाइट पर सामान बेचना। जैसे कि इसमें जो सबसे जैसे अमेजोन, अमेजोन तो पता है ना आपको, ई कॉमर्स है। फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स है, और आजियो, रिलायंस वालों का ई कॉमर्स है, मिंत्रा ई कॉमर्स है। तो ई कॉमर्स क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलाना। जो सामान दुकानों पर बिक रहा था वो अब वेबसाइट पर बिकेगा, वहीं पर पेमेंट हो जाएगा, वहीं से डिलीवरी आपके घर पर आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। तो बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये जो लास्ट पॉइंट है ये कहता है कि जब आप होर्डिंग्स लगवाते हैं, अखबार छपवाते हैं, तो अखबार में कागज खर्च होता है, बहुत सारा कागज खर्च होता है, बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, बहुत सारी स्याही खर्च होती है। जब आप होर्डिंग बैनर लगवाते हो तो वहां पर बहुत सारा प्लास्टिक मटेरियल, लोहा वोहा, बहुत बहुत सारी चीजें खर्च होती हैं, और वो कबाड़ा बन जाती है, कचरा बन जाती है बाद में। तो वो इको फ्रेंडली नहीं है। बट डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग इको फ्रेंडली भी है, ये चीज यहां पर बताई गई है। टाइप कीजिए EF, इको फ्रेंडली। राइट, अब हमारा हो गया है डिस्कशन का टाइम। डिस्कशन के टाइम से पहले ये लास्ट जो ज्ञान है आपके लिए दिया गया है कि आपको ऑनलाइन थोड़े से आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, ऑनलाइन आर्टिकल्स, कुछ वीडियोस, जैसे मेरा चैनल हो गया या मेरे जैसे 10-5 लोग और हो गए। सबका मत देखिए, सिर्फ एक्सपर्ट लोगों का, जो टॉप के एक्सपर्ट हैं। टाइप कीजिए टॉप एक्सपर्ट्स। सब लोगों का नहीं देखना भाई, फिर दिमाग खराब हो जाएगा। टॉप एक्सपर्ट कभी भी गलत सलाह नहीं देते, वो लालच में नहीं होते हर समय। टॉप एक्सपर्ट्स को फॉलो करना है आपको, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स को देखना है, और रेपुटेबल डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स को पढ़ना है। रेपुटेबल बोल रहा है ना, रेपुटेबल, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। एंड न्यूज़ वेबसाइट्स को पढ़ना है। तो एक लिस्ट बना सकते हैं छोटी सी कि मुझे इन लोगों को फॉलो करना है, बस उनके अलावा किसी को फॉलो मत कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टाइप कीजिए नोटेड, अगर आपने नोट कर ली है तो टाइप कीजिए नोटेड, ओनली टॉप एक्सपर्ट्स को। तो अगर मैं एसईओ में, मैंने अगर किसी को फॉलो किया है तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किसको फॉलो किया है एसईओ में। तो देखिए मैंने तो हमेशा बतख को किया है फॉलो। बतख जानते हैं आप, नील पटेल जी हैं जिनका नाम है बतख, और इनके बाल नहीं हो गए बहुत दिनों से, या फिर ये 100% क्लीन शेव रहते हैं। तो इन लोगों को आप फॉलो कर सकते हैं एसईओ में, रैंड फिशकिन, ब्रायन डीन और नील पटेल, अगर एसईओ सीखना चाहते हैं तो। राइट, और एक सुनील चौधरी हैं, उनको भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, उनके तो आप स्टूडेंट हो। और अगर आप देखें टॉप डिजिटल मार्केटर्स इन द वर्ल्ड, टॉप डिजिटल मार्केटर्स इन द वर्ल्ड, इनमें से कुछ छांट लीजिए कि कौन अच्छा है। जैसे कि गैरी बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छी सिखाता है, और छह ये जो ऊपर आए हैं टॉप के ही हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है। तो इनको आप जो है अपना बना सकते हैं। और जब मैं इस लिस्ट को देख रहा हूँ तो मेरे अंदर थोड़ी सी
पॉजिटिव जेल सी हो रही है, पॉजिटिव जेल सी। ये नहीं हो रही कि ये लोग ऊपर आ रहे हैं, ये हो रही है कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ यहाँ पर। बुरा नहीं लग रहा मुझे, बट एक आग उठ रही है अंदर से कि मैं भी यहाँ आ सकता हूँ। तो वो आग आपके अंदर भी होनी चाहिए। टाइप कीजिए AAG, आग। आग ही आपको आगे ले जाएगी जीवन में, यहां तक भी आग लेकर आई है। ठीक है, तो सब लोगों को नहीं, बट कुछ लोगों को आप इनमें से फॉलो कर सकते हैं जो आपको अच्छे से लग रहे हैं। सभी ठीक हैं, बट ज्यादा रायता फैल जाएगा। और इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नाम के दर्शन बड़े हैं उनके, और काम की बातें वो बहुत कम करते हैं। बट उसमें से भी आप काम की बातें निकाल सकते हो, राइट? तो इंडिया में मुझे ही फॉलो मत कीजिए, इंडिया में आप भटनागर ब्रदर्स को फॉलो कर लीजिए, जैन ब्रदर्स को, सौरभ जैन को फॉलो कर लीजिए, दीपक कनक राजू को, मुझे, प्रतीक शाह को। हम 8-10-15-20 लोग अच्छे हैं इंडिया में, उनको फॉलो कीजिए। विदेश में जो भी लोग अच्छे हैं, तो वहां से आपको नॉलेज आती रहेगी। और कोई चीज़ हो सकता है आपको अच्छी पता लग जाए, मुझे बता दो कल आके। आप ऐसा कोई ईगो नहीं है कि हम सीखेंगे नहीं, ईगो नहीं होना चाहिए। किसी से भी सीख सकते हैं, बच्चे से भी सीख सकते हैं, बड़े से भी सीख सकते हैं, राइट? अब आप अपना वर्चुअल हैंड रेज कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं बात करते हैं, हंसी मजाक जो भी, राजी खुशी। वर्चुअल हैंड रेज कर लीजिए, एक बंदा एक बार में हम बात करेंगे। अपना हाथ नीचे मत कीजिएगा, आपने एक बार अपना हाथ ऊपर किया तो उसको नीचे मत कीजिएगा, आप लाइन में से हट जाएंगे। नीचे एक नीचे ऑप्शन आता है वर्चुअल हैंड का, रिएक्शन में, रिएक्शन में रेज हैंड का ऑप्शन आता है, वहां से करना है। और फिर उसको छेड़ना नहीं है, छेड़ दिया तो आप लाइन में से हट जाएंगे। ओके, और कैमरा कर लीजिए ऑन सभी लोग। आप सभी लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, तो क्लास की फीलिंग हल्की सी आ जाएगी। और क्राउन किशन हट, आप प्लीज अपना नाम चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आप कौन है। कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग, एवरीवन गाइस, जिससे कि थोड़ा सा विचार विमर्श हो जाए। और तो बातचीत करने से पहले मैं कुछ एक्टिविटी करना चाह रहा था आपसे। क्या एक्टिविटी करूं? कोई गाइडेंस देगा मुझे? क्या आप मुझे गाइड कर पाएंगे? तो हमारे पास कितने लोग हैं आज? 3, 4, 12, 3, 15, 15 लोग हैं। 15 लोग अगर 5 कमरों में चले जाएं तो क्या होगा? आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं, परिचय कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? टाइप कीजिए क्लियर। तो आप लोग, आप एक एक कमरे में जाएंगे, बातचीत कीजिए, अपना परिचय कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। 8:52 हो रहे हैं, मैं 8:60 पर आपके साथ वापस आऊँगा। तब तक आप बातचीत कीजिए, मैं यहीं पर हूँ। अपना अपना कमरा जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, कैमरा ऑन रखना है सभी लोगों को, बातचीत करनी है, अपना क्वेश्चन एक दूसरे से पूछिए, फिर उसके बाद फिर मेरे से आपको बातचीत करने का जो है अवसर दिया जाएगा। ओके, तो अपने अपने रूम्स आप ज्वाइन कर सकते हो फटाफट से। सभी लोग अपना अपना रूम ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। प्रीति सिंह, सुशील जी, उमेश शर्मा जी, प्रवीण कुमार जी, अजय चौरसिया जी, प्लीज ज्वाइन कीजिए अपने रूम। चेतन जी, शीतल चौधरी जी, क्राउन जी, आपका नाम मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। प्रीति, सुशील जी, उमेश, प्लीज आप अपना रूम ज्वाइन कीजिए। सर कैसे ज्वाइन करना है? वहां पे आ रहा होगा ना ज्वाइन का ऑप्शन, मैं आपको किसी रूम में भेज देता हूँ। आपका नाम क्या है? आपका नाम मुझे यहाँ दिखाई अंजना, नहीं दे रहा है। आपका नाम मुझे यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सर सबसे ज्यादा चैट तो मैं ही कर रही हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं किसी रूम में आपको भेजता हूँ।
बार दिखा था ज्वाइन का ऑप्शन, अब नहीं शो हो रहा आपका नाम नहीं हो रहा, भेज क्यों सर? दिया मैंने आपको रूम में, वहां ज्वाइन हाँ कीजिए, रूम नंबर 2 में ज्वाइन कीजिए। कोई व्यक्ति रह गया है जो रूम ज्वाइन करना चाहते हैं? डिस्कशन से बहुत फायदा होता है, तो अपना अपना रूम जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत फायदा होता है डिस्कशन से, परिचय से, आपका मनोबल बढ़ता है, जोश बढ़ता है, तो इट्स वेरी गुड एक्टिविटी। भीम जी, उमेश जी, सलीम जी, आपने कोई रूम ज्वाइन नहीं किया? सर सर, और अगर जैसे वर्डप्रेस का मैंने देखा था, वर्डप्रेस में भी कोई वो चीज नहीं है, प्लगइन्स वगैरह यूज करके आप ना टेम्पलेट्स वगैरह सारा रेडी रहता है उसमें, आप यूज करते जाओ और आप बहुत बढ़िया वेबसाइट बना सकते हो। नहीं सर, ठीक बिल्कुल है, अच्छा बना सकते हाँ बहुत अच्छा बना सकते हैं। और अब कैसा एक्सपीरियंस रहा प्रीति, रूम में जाके बातचीत हुई, परिचय कराया आपने किसी से, बातचीत हुई आपकी? प्रीति आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो प्रीति, आवाज आ रही है आपको मेरी? एम आई ऑडिबल धर्मेंद्र जी? हाँ आ रही है सर आवाज जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा धर्मेंद्र जी? बहुत बढ़िया सर, मुझे बीच में जैसे आप ना जैसे ट्यूसडे और सैटरडे है ना जी अपनी क्लास, थर्सडे ट्यूजडे और थर्सडे? क्या जी? हाँ जी, तो बस वो और मैं पहले जैसे अटेंड की थी आज अटेंड कर रहा हूँ जी। हाँ और मैं साथ साथ जो है ना वीडियो भी मैंने गूगल साइट वाला वो जो है ना आपका गूगल वेबसाइट सिर्फ है अभी वो वीडियो देखे हैं जी। आपने जी मुझे कहा था तांडव वाला स्टार्ट करना। जी बिल्कुल, हाँ जी बहुत बढ़िया। और कोई अपना जी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? ब्रेकआउट रूम में आनंद आया, किसको आया, दिक्कत आई, क्या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? जी बताइए शीतल जी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, नहीं अनम्यूट कर अच्छा दिया, लगा अब सर। बताइए। हेलो सर, हाँ आज बहुत दिनों बाद अच्छा लगा क्योंकि आपसे मैं इंटरेक्ट करती रहती हूँ। वैसे हाँ स्क्रीन पे शीतल दिखा रहा है बट मैं शारदा चौधरी हूँ। तो नाम हाँ बदल लिया कीजिए नाम अपना आप, नहीं, ठीक है? एक्चुअली क्या है, ये शादी के बाद वाला हस्बैंड के दिया हुआ नाम है, सर्टिफिकेट में शारदा ही है। जी और तो क्या है ना, अपनी आइडेंटिटी खुद मुझे भी बनानी पसंद है कि मुझे ठीक है, बोला सर 10:30 हो मेरे जाएगी। नाम से जाना जाए और मेरे काम से जाना जाए। तो अच्छा लगा आज इस तरह से बात करना कि इस तरह से भी बात हम कर सकते हैं। ये आज पहली बार फिर समझ में आया कि डिजिटल में हम इस तरह से रूम में अलग एक एक दूसरों को समझ के बात कर सकते हैं। ये पहली बार मैंने किया, सो किस अच्छा किसने लगा। पहली बार किया है, टाइप कीजिए FT इन द चैट ये बॉक्स। फर्स्ट टाइम हुआ मेरा। किस किसने पहली बार वार्तालाप इस तरीके से किया है, FT कीजिए। अजय जी ने पहली बार किया है, बहुत बढ़िया। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? और कोई, सुशील जी आपको कैसा लगा, सुशील जी बताएं जरा। सुशील जी सर बिल्कुल नए हैं बहुत आज पहली बार। हाँ एंड गुड इवनिंग टू ऑल। मुझे सब बहुत ही अच्छा लगा। जी इसे ब्रेकआउट रूम में तो बहुत बार आ चुके हैं, बहुत सारे वेबिनार में एंड बहुत सारे कोर्सेज में पहले से ही ज्वाइन कर चुका था, हाँ तो ब्रेकआउट रूम में आ गया था। बट इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस एंड सबसे अच्छा लगा यही है कि आपकी जो बोलने का तरीका है वो सबसे मुझे अच्छा लगता है एंड समझने में बड़ी आसानी होती है।
थैंक यू सर, मैं तो बिल्कुल देसी आदमी हूँ सर, कोशिश करता हूँ अच्छे से करने की, राइट। इसलिए तो अच्छे लगते कौन हैं। से डिस्ट्रिक्ट से हैं सुशील जी आप? मैं खुर्दा डिस्ट्रिक्ट भुवनेश्वर से हूँ, उड़ीसा अरे वाह, भुवनेश्वर से। अरे वाह, ऑसम, वेलकम वेलकम सुशील जी, सभी लोग एक बार थैंक यू टाइप थैंक यू करें, सर। वेलकम सुशील जी। धर्मेंद्र जी भी ऑलमोस्ट नए हैं, वेलकम धर्मेंद्र जी भी कर सकते हैं आप सभी लोग, तो एक बार अपने परिवार में सभी नए लोगों को स्वागत है। और अंजना जी को भी एक बार वेलकम, अंजना जी, अंजना जी का तो पहला सेशन है, फर्स्ट सेशन है। अंजना जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, अनम्यूट करके शेयर करें। सर अच्छा लगा मुझे, ये फर्स्ट टाइम ही मैंने ज्वाइन किया आज, सेशन भी और वो रूम में भी। जी, तो सही है, एक मुझे नई वैसे नई नॉलेज बहुत अच्छी है सर, बट मैं वही 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 वाला मेरा है कि अभी धीरे धीरे करते करते वो चीजें, हाँ, मैं धीरे धीरे हो जाएगा, अभी राइट। लैपटॉप भी समझो मैंने आज सेकंड टाइम ही ओपन किया है। नहीं, फोन बहुत पे तो मैं बढ़िया बहुत कर बढ़िया, लेती हूँ थोड़ा। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। सो हाँ वेलकम जी अंजना जी, धर्मेंद्र जी एंड सुशील जी, तीनों नए हैं। बाकी कुछ लोग, चेतन जी आप कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं आज, कहाँ कौन से अंधेरे में गायब हैं, प्रीति गायब हो गई है। एक बार सर, सभी लोग किसी कैमरे पे आ का जाइए, भी एक बार मैं एक फोटो लेने वाला हूँ, ग्रुप फोटो। एक बार सभी लोग कैमरे पे आ गए, एकदम सटीक तरीके से कैमरे में देखिए, जैसे मैं कैमरे में देख रहा हूँ, कैमरे में एक बार देखिए, एक फोटो लेना है हमें। और ये एक्टिविटी आज शायद मैं पहली बार करूंगा, इससे पहले तो कभी की नहीं है, राइट। एक बार बिल्कुल कैमरे पे एक्टिव हो जाइए, एक फोटो लेने वाला हूँ, राइट। रेडी, स्माइल कर दीजिए सभी लोग एक बार, रेडी स्माइल, ऑसम। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हुई है, एक सेकेंड, हो गया, डन, थैंक यू वेरी मच। अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एक एक वर्चुअल हैंड रेज करके। तो शीतल जी सबसे पहले वर्चुअल हैंड रेज कर लीजिए, और हाँ जी शीतल जी बताइए, सबसे पहले आप ही बताइए, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ये मजबूरी है इसकी, जूम की। हाँ हाँ सर, मुझे यूट्यूब पे अलग से लैपटॉप पे, मैं अभी तो अभी तक तो मैं मोबाइल पे करती थी, लेकिन मुझे लैपटॉप पे यूट्यूब पे अपना लाइफ कोच की एक अलग चैनल बनाना है, तो उसको मैं कैसे बनाऊं? अभी और आपका कोई चैनल है क्या ऑलरेडी? कितने हाँ है, सब्सक्राइबर हैं उसमें? उसमें 116 है। उसी चैनल को कंटिन्यू करने में क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली क्या है ना, वो मैं ब्लॉग्स के जैसे हर हर मिक्स एंड मैच सब डालती हूँ। मिक्स एंड मैच वाले चैनल ही आजकल ज्यादा चल रहे हैं। अच्छा, हाँ लेकिन मुझे लाइफ कोचिंग में अपने को निश प्रैक्टिस नहीं, मतलब वो निश वाली चीज जो है ना, बहुत पुरानी हो गई है, 2021-22 में निश वाली बात थी। हाँ। अगर आप मेरा चैनल देखें तो मैं ब्लॉग भी डालता हूँ, ट्रेंडिंग भी डालता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग भी डालता हूँ। अंकित इंस्पायर्स इंडिया जो बहुत बड़ा चैनल है, हमारे बड़े भाई हैं, कोच हैं वो हर तरह की वीडियो डालते हैं उस पर, और पढ़ाई लिखाई की वीडियो भी डालते हैं। और अगर बात करें दीपक बजाज की, वो लाइफ कोच भी है, नेटवर्क मार्केटिंग कोच भी है, वो भी मिक्स कॉन्टेंट डालता है। अगर बात करें अंकुर वारिको की, वो भी मिक्स कॉन्टेंट डालता है। तो अपने उसी चैनल पर पूरी ताकत लगा दीजिए, कॉमेडी, हंसी, तो मजाक, मैं एक सब काम कुछ। ये कर सकती हूँ कि मैं अपने चैनल का नाम बदल दूंगी फिर अब तो अपने चैनल। चैनल का नाम कीजिए शारदा चौधरी, हाँ वही वही बोल रही हूँ, बस। हाँ अपना फोटो एंड अपने चैनल का नाम हाँ शारदा हाँ चौधरी कर देती हूँ सर। और एक क्वेश्चन है कि मेरा एक चैनल था पर पहले, उसमें 169 सब्सक्राइबर थे, अचानक बंद हो गया है ना, लेकिन वो अभी मैं सर्च करती हूँ तो शो करता है, लेकिन उसपे कुछ एक दो वीडियोस मुझे डिलीट करने हैं, लेकिन कैसे करूँ वो? वो तो अच्छा आपको क्या करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि कौन से ईमेल आईडी से वो अकाउंट था, और उसका पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, तभी हो ये सकता सब है। मुझे समझ में तब नहीं आया, इसीलिए मतलब बना ही नहीं, इसीलिए मुझे फिर नया बनाना पड़ा। कोई बात नहीं, अगर वीडियो पड़ी है, कोई देखता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खतरा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड है वो छत्तीसगढ़ से मिस इंडिया यूनिवर्स बनी थी, तो उनको उनके दो वीडियोस उसमें हैं, तो वो हाँ, दोबारा बोलती ट्राई कर सकते हैं पासवर्ड वगैरह रीसेट करने का, है। अच्छा और इस ये तो काफ़ी अलग विषय है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। पासवर्ड से रिलेटेड है ना ये, तो लॉगिन से रिलेटेड मसला है। तो लॉगिन, हाँ लॉगिन और पासवर्ड सबसे से पहले रिलेटेड। पता कीजिए कि उस चैनल में लॉगिन कीजिए, कौन सी ईमेल आईडी है आपके पास, कोई ना कोई ईमेल आईडी तो होगी, सारी ईमेल ट्राई कीजिए और हाँ कीजिए, आसान है, कर दीजिए डिलीट उसको, राइट। ओके हाँ, इसमें कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि हर बंदा आपका ईमेल आईडी से लॉगिन करने का ही कोशिश करेगा,
और नहीं हो पाया लॉगिन तो नहीं डिलीट कर सकता। और अच्छा YouTube इतनी जल्दी छोटी मोटी रिक्वेस्ट मानता नहीं है। अगर आप YouTube को बोलोगे कि डिलीट कर दो हमारी वीडियो तो वो मानेगा नहीं इतनी जल्दी, राइट? या ये है, तो कोशिश करके देखिएगा। और यानी कोई जिस ईमेल से मैंने उसको किया है और वो पासवर्ड भी होना चाहिए क्या? अगर पासवर्ड तो मान रीसेट कर लोगे आप, पासवर्ड तो रीसेट कर लोगे, ठीक हाँ, लेकिन जिस है? ईमेल आईडी से राइट, किया है उसको। ओके सर, थैंक यू थैंक यस यू। जी। उमेश जी बताइए। हेलो, गुड इवनिंग उमेश सर। जी वेरी गुड इवनिंग, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था सर, जैसे कि लास्ट टाइम जैसे मैंने फेसबुक पे आपको बताया था कि अपन अपना पोस्ट डालते हैं और सर कमेंट बॉक्स में लिंक डालते हैं, तो सर उसमें जो ट्रैफिक आ रहा है वो अपनी शायद लिंक पे नहीं आ रहा है, मेरे को लगता है वो फोटो पे आ रहा होगा। ऑब्वियसली फोटो पे आ रहा है, तो वहां पे आपको फोटो पे या तो लिख दो कि लिंक इन कमेंट्स, या फिर पोस्ट में सर लिख दो वो लिंक इन लिखा कमेंट्स। लिखना चालू कर दिया अभी 2 दिन से मैंने। हाँ, हाँ दोनों चीजों पे लिख दो लिंक इन कमेंट्स। तो सर, फोटो इस तरीके का होना चाहिए, इस स्ट्रेटजी में फोटो इस तरीके का होना चाहिए कि बंदे के अंदर वो जाग जाए, अंदर क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी पढ़ने की, हाँ अंदर जाग जाए पढ़ने कि की। बवाल क्या है। जैसे कि पूनम पांडे गिरफ्तार, कोई नहीं है वो, बट वो पूनम सर पांडे गिरफ्तार क्वेश्चन मार्क, कितने पुलिस लोगों ने सर उस पे वो लिखा है सर, सब है ना, फर्जी हो गया। पुलिस ने पूनम पांडे के साथ क्या बर्ताव किया, ये डालिए कल, और डालिए लिंक इन कमेंट, और फिर देखिए कितना ट्रैफिक आता है आपकी वेबसाइट पे कल, ठीक है? बिल्कुल परसों डालिए मालदीव्स के बाद बांग्लादेश के साथ मोदी का पंगा, थंबनेल वही डालिए। कंट्रोवर्शियल। हाँ, मोदी का पंगा, क्या है मसला, लिंक इन कमेंट्स, है ना? फिर डालिए पाकिस्तान का नया राष्ट्रपति भारत के लिए खतरा, पूरी खबर जाने लिंक इन कमेंट्स। अंदर खबर कुछ भी हो सकती है। एक जगह लिखा था अच्छा, मतलब रणवीर तो आप कपूर, ट्विस्ट करने का बोल रहे हैं सर, ट्विस्ट करने का बोल रहे हैं अपन जो उसे वहां पे क्लिकबेट पेज। बोलते हैं ना, क्लिकबेट, क्लिकबेट बोलते हैं, जो कि एथिकल नहीं है। मैंने पहले भी बोला था एक सेक्शन में कि एथिकल नहीं है, मेरा दिल गवाही नहीं देता, मैं यूज नहीं करता हूं, पर जो ब्लॉगर्स हैं बड़े बड़े करते हैं, ठीक है? एक जगह लिखा था कि दीपिका पादुकोण ने रणवीर कपूर को मारा थप्पड़, क्या है मसला, लिंक इन कमेंट। मैंने जाके देखा, एक बार एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उसमें दीपिका पादुकोण को रणवीर कपूर को थप्पड़ मारना था, दीपिका पादुकोण कंफर्टेबल नहीं थी, ऐसी खबर लिख रही थी। अच्छा मतलब यार ये तो फंस हो गया, तो बट क्लिक तो हो गया ना उससे, समझ रहे? तो इस तरह का होता है, तो ये एथिकल तो नहीं है, बट ये इलीगल भी नहीं है, मतलब ज्यादा कोई नुकसान वाली बात नहीं है, बट सर, ट्रैफिक इससे ही बढ़ा एक जुड़ा सकता है हुआ आप। क्वेश्चन, इससे ही एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है सर। हम जैसे लिंक्डइन पे कर रहे हैं सर, फेसबुक पे कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं सर, तो उस पे जो रीच आ रहा है, इंप्रेशन आ रहे हैं सर, और जो क्लिक आ रहे हैं सर, वो वेबसाइट पे क्यों नहीं दिखते हैं सर? कहाँ पर देख रहे हैं आप, एनालिटिक्स में या गूगल सर्च कंसोल में? सर अपन अपना गूगल साइट किट पे भी जाते हैं सर, वहां पर भी नहीं, वो क्लिक नहीं दिखाता है सर एनालिटिक्स में पर डे। दिखेंगे वो, एनालिटिक्स में दिखेंगे। एनालिटिक में, गूगल अगर एनालिटिक में लिंक ज्यादा। एनालिटिक्स में सारा ट्रैफिक दिखेगा, गूगल सर्च कंसोल में वो दिखेगा जो गूगल सर्च से ट्रैफिक आता है, ओके, जो गूगल सर्च से आता सिर्फ है, गूगल गूगल से, गूगल सर्च से आता है। हाँ गूगल सर्च से आता है, बस वही दिखता है गूगल सर्च कंसोल में, बाकी तो जो सर जैसे फेसबुक से अपन और सब। अपनी वेबसाइट में अपन ने सर गूगल साइट की डाउनलोड कर, मतलब प्लगइन लगा रखा है सर, उसमें दिख जाएगा सर कि हाँ, उस पे कि उसमें तो दिखता पर्टिकुलर है, उसमें तो दिखता है। पर्टिकुलर एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स पे जाके हाँ देखा हाँ 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 और आप वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, कीवर्ड केडी लेस वाला ट्रैफिक ला रहे हो, है। केडी हाँ लेस सर, वो वाला? आपने जो अभी अभी लास्ट क्लास में आपने जो बताया था ये हाँ केडी पे लिखना है, वो मैं फॉलो हाँ करना चालू कर दिया सर। और पिंटरेस्ट आज से हम इंक्लूड कर रहे हैं, पिंटरेस्ट से काफी ट्रैफिक आएगा। सर मेरा अकाउंट बहुत पुराना है, मतलब बना रखा है लेकिन वो चलाना नहीं आता है सर, इन कोरा मीडियम ये सब समझ में नहीं आया पिंटरेस्ट, सर। पिंटरेस्ट पे कीजिए और बहुत अच्छा ट्रैफिक आएगा, ठीक है? और ओके बस बताइए, और ये बोलिए, देखिए एफर्मेशन भी काम करती है उमेश जी, ये बोलिए कि थैंक यू गॉड आई हैव अ वेबसाइट, थैंक यू गॉड आई हैव अ यस कोच, थैंक यू गॉड माय वेबसाइट इज गेटिंग मिलियंस ऑफ ट्रैफिक। अब ये बात बड़ी बेवकूफों वाली है कि ट्रैफिक आ रहा है 2-3, मैं कह रहा हूँ माई वेबसाइट इज गेटिंग मिलियंस ऑफ ट्रैफिक, ये क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि यूनिवर्स कहता है आएगा तथास्तु, यूनिवर्स कहता है तथास्तु। अगर आप कहोगे मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो आएगा ही नहीं,
और जब आप बोल रहे हो आ रहा है, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि अब आना ही चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल और एक दिन मैजिक आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा। और कहाँ दिक्कत आ रही है, टाइट कीजिए उसको, ट्विस्ट को टाइट कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, टेलीग्राम चैनल पर डालिए, व्हाट्सएप चैनल पर डालिए, यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में डालिए, सब जगह डालिए। टाइट कीजिए कहाँ से आएगा, और टॉपिक्स लीजिए। जैसे मैंने कल केक्स के ऊपर डाला था, केक्स के ऊपर मैंने ये भी डाला था, मटन करी कैसे बनती है, चिकन करी कैसे बनती है, मटन सब करी वाला डाल तो मैंने दिया। देखा था सर आपका, मैं देखा था ना, तो वो सब देखता चैट रहता हूँ जीपीटी से बना कभी। बना के मैंने सब डाला है, राइट? हाँ और मैंने शायद 1 घंटे में 10-15 ब्लॉग लिख दिए थे, कोई केक मटन फटन सटन सब दुनिया भर का लिख के डाल दिया था, राइट? अच्छा या सर, गूगल एडसेंस का सर वो उनने मतलब साइट पे वो कर दिया सर, पहले तो अप्रूव दिया था, अब वापस रेड मार्क लगा दिया सर, वो हो जाएगा, कंटेंट वो और ठीक ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो कोई इशू है नहीं सर। है। और बढ़ाइए कंटेंट, वो हो जाएगा ठीक। और पिंटरेस्ट पे एफिलिएट मार्केटिंग पे भी फोकस कीजिए, एफिलिएट मार्केटिंग वाला ब्लॉग लिखिए, पिंटरेस्ट पे डालिए, तो वहां से ट्रैफिक आएगा, ठीक है? एफिलिएट ठीक है मार्केटिंग पे सर, भी फोकस रखिए, अपनी इनकम कई जगह से रखिए, मल्टीपल उसको कीजिए। ब्लॉगिंग तो मेन है, बट और कहाँ कहाँ से आपको पैसा आ सकता है ब्लॉगिंग के माध्यम से, उस चीज पर फोकस रखिए। जैसे कि शर्ट की एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, जूतों की एफिलिएट मार्केटिंग कर दी, और आप अगर कोई टूरिस्ट वेबसाइट की एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप systeme.io की एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, मेरे कोर्स की एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जनता को बहुत पसंद है। जैसे अब होली आ रही है, तो होली के रंगों की एफिलिएट मार्केटिंग कर दो, और मैंने तो रामलला की मूर्ति की एफिलिएट मार्केटिंग की है, अगर आपने देखी हो तो। बिल्कुल सर देखा है, देखिए, हाँ नहीं सर देखी? देखा है सर आपका, नहीं देखा है तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ सब लोगों को, कि रामलला की मूर्ति अब बिकने वाली है बहुत ज्यादा, है ना? तो मैंने उसकी भी एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पे की है। आपको अगर आइडिया लेना है तो आप यहाँ से लेंगे। देखिएगा, ये है इमेज रामलला की, और सबसे टॉप पे लगा दिया है, ये अगले 2-3 महीने तक हटने वाली नहीं है, टॉप पे से फिक्स कर दिया हमने। ये देखिए, ब्रिंग रामलला टू योर होम ऑर्डर नाउ, दिख रहा है? उमेश जी आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ सर ये दिख रहा है आपको रामलला वाला? बिल्कुल बिल्कुल सर, बट आप कहीं और देख रहे हैं। नहीं सर आप देख रहा हूँ, नहीं, कुछ मामला है, बाद में बात करेंगे, ठीक है? रामलला की नहीं मूर्ति नहीं मैंने यहाँ सर पे सीधा मेरा लगा दो दी है। सिस्टम चल रहे हैं सर, एक्चुअली सर मेरे कंप्यूटर पे सर कैमरा नहीं है तो हाँ वो सामने देख। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है। तो ये जो बंदा रामलला का फैन बनना चाहता है, वो फैन बनेगा, और वो यहाँ पर चांसेज है कि बहुत ज्यादा चांसेज है कि खरीदेगा। समझ पा रहे हैं? टाइप कीजिए यस इन द चैट बॉक्स। और कोई क्वेश्चन आपका उमेश जी? सर ये हो गया, एक क्वेश्चन दिमाग में आया था वो स्किप हो रहा है सर। आप दोबारा पूछ लीजिएगा, तब तक हम धर्मेंद्र जी से बात करते हैं। जी धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए। हाँ सर नमस्कार सर, जी बताइए, क्या क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन सर मेरे से दो तीन क्वेश्चन है सर। एक तो जैसे वेबसाइट बनाते हैं जी, तो ये गूगल पे वेबसाइट ज्यादा बढ़िया रहेगी या वर्डप्रेस पे जी? डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है पर्पज मैंने आपका। बताया था नहीं, मार्केटिंग आपका का। पर्पज है पोर्टफोलियो, हाँ आपका जी पर्पज है ब्लॉग, आपका पर्पज है अपनी बिजनेस को ग्रो करना, तो गूगल यस साइट सर। सबसे बढ़िया है, गूगल साइट अच्छा सबसे बढ़िया है। तो जैसे सर, जैसे मान लो मैंने डोमेन नेम बुक किया बाजार डेस्कटॉप के नाम से, डेस्कटॉप। बाजार, अरे वाह, नाइस, ऑसम। हाँ जी सर, हाँ, तो इस पर आप अपनी वेबसाइट बनाइए, www.bajardesktop.com गूगल पे, ठीक और है सर। ब्लॉग बनाइए। अपना अपना बिजनेस प्रमोट करना है तो गूगल साइट्स पर ही ब्लॉग हो जाएगा आपका, ओके सर, ठीक और एक ब्लॉग बनाइए वर्डप्रेस पर, blog.bajardesktop.com। वो ब्लॉग होगा जिससे आप भविष्य में एडसेंस की इनकम कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग की इनकम कर सकते हैं। जो अपना बिजनेस प्रमोट करना है यस वो सर, आपका आप गूगल साइट से कर सकते हैं। ओके हाँ, पोर्टफोलियो, जो भी सजावट वाले कार्यक्रम करने हैं, डेकोरेशन वाले, वो कीजिए हाँ गूगल जी, साइट्स पे, और जो ओके सर, कंटेंट वाले काम करने हैं, जिससे और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है या एडसेंस की इनकम कमानी है, वो कीजिए वर्डप्रेस से। वर्डप्रेस से, ओके हाँ, सर, वर्डप्रेस को सजावट के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा, बहुत एरर आते हैं उसमें। समझ गया सर। और आपके लिए जो सबसे जरूरी है धर्मेंद्र जी, फिर से बोलूंगा, TS मदान जी को सुना है आपने, सरदार जी को? टीएस मदान जी को, हाँ उसकी कार में बैठ उठ के जैसे बोलते हैं शायद, हाँ सुना हाँ, है जी।
टीएस मदान जी ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाते हैं। हाँ बहुत बनाते हैं जी। आप वीडियो बनानी शुरू कर देंगे ना धर्मेंद्र सर, तो आपका हाँ जी बिजनेस जो है वायरल हो जाएगा, ज्यादा ओके से सर। ज्यादा लोग जुड़ेंगे। वीडियो से ऊपर कुछ है नहीं आज की डेट में उमेश जी। तो सर जो वीडियो मतलब यूट्यूब पे डालनी है या वो अपने उस पे साइट पे डालनी है जी। देखिए जो वीडियो बन गई हाँ वो वीडियो आप अपनी साइट पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए, लिंक्डइन पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, सब जगह डालनी है। जो वीडियो ओके बन ही गई फिर उसको रोकना किस बात के लिए। ठीक बात है। और जो पूरा फोकस रखना है वीडियो का तो वो फेसबुक और यूट्यूब पर रखना है, ठीक है जी। फेसबुक और यूट्यूब। और डेली अगर आप एक से ज्यादा वीडियो बना सकते हैं, एक तो मिनिमम है, अगर एक से ज्यादा वीडियो बना दी तो आप 1 महीने बाद मुझे रिपोर्ट दे दीजिए कि क्या रिजल्ट है। 1 महीने बाद मैं बताता हूँ, मैंने 2021 के लॉकडाउन के बाद वीडियो बनानी शुरू करी थी दोबारा से। ओके सर। लॉकडाउन के पहले की हमारी दुनिया अलग हुआ करती थी, लॉकडाउन के बाद दुनिया बदल गई। तो ओके जी। 2021 के बाद मैंने वीडियो बनानी शुरू करी थी, कोचेस को हेल्प करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और तब मुझे ग्रीन स्क्रीन के ऊपर ही लगाना भी नहीं आता था, ओके जो मैंने सर। आज लगाया हुआ है ये भी लगाना नहीं आता था। तो बिल्कुल ही देसी भाषा होती थी मेरी, ऐसी वीडियो बनाता था। तो उससे मेरा पहले महीने की जो इनकम हुई थी लगभग 55,000 रुपए की इनकम हुई थी, सोचिए, ओके सर। सिर्फ वीडियो से पहले महीने। तो इसीलिए वीडियो में बहुत पावर है और इससे अच्छा कुछ है नहीं। और आपका तो फेस प्रेजेंस भी अच्छा है और यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, गो फॉर इट, गो फॉर वीडियोज। आप ओके बनाते हैं सर। क्या वीडियोज डेली? डेली में नहीं वीडियो नहीं बनाई सर। मैं एक्चुअली क्या मैंने आपसे पूछा भी था जी, जो ना प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जैसे ना पीछे जैसे वो बोर्ड पे मैंने बताया था आपको कि प्रॉपर जैसे लैपटॉप पे बैठ के आप बोल रहे हो सामने से पीछे से सारा वो, मैं कहा वो सिस्टम में एक तो नहीं मिला जी मेरे को, नंबर एक बात तो ये। एक बार दोबारा और पूछिए, एक बार दोबारा पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? जैसे आप लैपटॉप पे बैठ के जैसे आप पढ़ा रहे हो सर है ना, हाँ और हाँ पीछे स्क्रीन पे वो पूरा मतलब वीडियो स्क्रीन पे दिख रही है आपको। अच्छा वो वाला, उसे तो वो बोलते हैं हाँ ना, क्या यस। बोलते हैं उसे, वो तो बोर्ड होता है ना, हाँ टीचिंग टीचिंग बोर्ड। टीचिंग बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, जैसे मैंने हाँ कई। डिजिटल हाँ बोर्ड। पर जी डिजिटल बोर्ड की जरूरत क्या है आपको, लैपटॉप से हो जाता है सारा काम। लैपटॉप से वो मेरे को बनाना नहीं आता सर। नॉर्मल है, लैपटॉप से हो जाता है। मैं तो डिजिटल बोर्ड वालों को ये समझता हूँ कि वो फालतू में एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक अच्छा जी। है देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने तो पिछले 3 साल से सारा काम इसी से कर रहा हूँ भाई। वीडियो तो उतनी बड़ी दिखनी है यूट्यूब पे, चाहे आप डिजिटल यस बोर्ड पे बना सर। लो, चाहे आप कहीं भी बना लो, है ना। अब मान के चलिए ये ओके मेरी सर। प्रेजेंटेशन है, मुझे यहाँ कुछ भी हाँ समझाना अब है। जैसे ये आप ना ऊपर आपकी वीडियो भी दिख रही है, ये जूम पे तो दिख रही है सर आपकी, हाँ लेकिन लेकिन उसमें जैसे वीडियो आप यूट्यूब पे जैसे आपको डालनी है रिकॉर्ड करके वो हाँ तो वहां पे भी कैसे दिखती करो। है, वहां पे भी दिखती है ये वीडियो। अच्छा ये जूम की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। हाँ मैं तो सारा जूम से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ आजकल सर जी, अच्छा जी। मतलब जूम से अच्छा कोई कोई साधन नहीं है धंधा बढ़ाने का आज की डेट में। समझ गया सर। जूम सबसे बढ़िया है, दिखाता हूँ मैं आपको हल्का सा। ये मेरी वीडियो जूम से रिकॉर्डेड है और ये वीडियो मैंने सुबह बनाई है इंश्योरेंस बिजनेस बढ़ाने की, जूम से रिकॉर्डेड है सब। ये तो अब जितनी भी पुरान नई वीडियोज है ना मेरी, सब जूम से रिकॉर्डेड है, यस सर सब जूम से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। जूम ओके सर। से रिकॉर्ड करने के बाद मैं इसे फिल्मोरा में डाल देता हूँ, सॉफ्टवेयर आता है वीडियो एडिटिंग का, फिल्मोरा। हाँ यस सर। कैप कट ये तो सारी चीज आती है, कैप कट, फिल्मोरा, हाँ ये कैनवा, ये चीज तो ना जी शौक से करते हैं वैसे हम तो। अब जी मान लो ये जो इसका प्लेटफॉर्म यूज करके पैसे कमाने का जरिया हम आपसे सीखेंगे जी। हाँ, तो मैं वीडियो की क्वालिटी बढ़ा देता हूँ फिल्मोरा से। ओके सर। जूम में वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम आती है तो फिल्मोरा में जाके उसका साइज बढ़ा देता हूँ मैं, ओके सर ओके। वो एचडी हो जाती है वीडियो। जैसे अगर ये वीडियो कोई प्ले करेगा, ये वाली, एक सेकंड, नीचे हाँ वाली जी वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो आज एचडी का जमाना है, बिल्कुल सर। ये वीडियो अगर कोई प्ले करेगा तो यहाँ पर एचडी का ऑप्शन नहीं आता है, तो अगर हम वीडियो एचडी में डालेंगे तभी ऑप्शन आएगा वो। ओके सर ये ओके। देखिए यहाँ पर आता है ना सेटिंग्स में, सेटिंग्स में तो यहाँ पर ऑप्शन यस आ रहा है ना, सर। ये देखिए एच डी 1080, ये हाँ एच डी जी ऑप्शन होता है। देखिए वीडियो में कोई कमी नजर नहीं आएगी आपको, ठीक है। ऊपर बिल्कुल सर से बहुत बढ़िया। जब आप एडिटिंग करके डालते हो तो उसमें आपने ये टेक्स्ट लगा दिया थोड़ा सा, और नीचे अपना ये छोटा सा क्रिएटिव लगा दिया, इससे थोड़ा सा प्रोफेशनल टच आ जाता है। बाकी देखने वालों को क्या पता है पीछे ग्रीन स्क्रीन है कि दुबई है, राइट। यस सर यस।
उनको पता तो है, कुछ लोगों को पता है, बट एटलीस्ट दिखने में अच्छा लग रहा है। बेशक उनको पता है ग्रीन स्क्रीन है, बट अगर सिर्फ ग्रीन होगा तो अच्छा नहीं लगता है। और ठीक लोगों को बात है, आजकल चीजें दिखने में अच्छी होनी चाहिए। यस सर, मैंने तो अपना बिजनेस बिना अच्छा लगे ही बहुत ग्रो कर दिया पूरे वर्ल्ड में। और यस अगर सर, ये अब जैसे अच्छा लगने वाली बात करूं तो आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हो, हर्षवर्धन जैन, TS मदान यस सर, और दीपक बजाज और अंकुर यस सर, वारी को, ये चार लोग हैं जो बहुत अच्छा लगते हैं। और सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा जी सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये लोग अच्छा लग के काम करते हैं तो बहुत ग्रो कर गए। तो आप अगर एक्टिव भी हैं और अच्छे भी लगते हैं तो ज्यादा ग्रो करेंगे। इस बात में ओके, कोई कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, दोराय छुपाव नहीं, हाँ दो राय नहीं है। तो मैं कम जी, अच्छा लगते हुए भी ग्रो कर गया। अगर मैं थोड़ा सा और अच्छा लगूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा और मतलब अपने आप को नहीं सोफिस्टिकेटेड कर लूं तो मैं और ज्यादा ग्रो कर जाऊंगा। नहीं सर, आप ऐसे ही ठीक हो जी। नहीं मतलब आप चाहते नहीं हो मैं ग्रो करूं? सर, आप ये चाहते हैं आप ग्रो ग्रो, लेकिन आप ना जी भी क्या बताएं आपको, मतलब एक ना जैसे आपको देख के ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप बहुत ज्यादा मतलब जान पहले से जानते हैं जैसे हम आपको, मतलब हाँ यस सर, मतलब एक अपनेपन की फीलिंग आती है सर, ये थैंक बहुत यू कम लोगों में दिखता है सर, बहुत कम लोगों में सर, जी, यस थैंक यू मिट्टी वेरी से मच। जुड़े हुए लोग हैं, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग, तो यस सर, सर भी वैसे ही हैं बिल्कुल। बिल्कुल जी बिल्कुल। और थैंक यू। सर आपकी और जो मैं ना वीडियो देख के जैसे मतलब यूट्यूब उस पे फेसबुक पे जैसे ऐड देखी मैंने आपकी, और जो जी आप बोल रहे थे बिल्कुल एकदम जैसे मतलब कि है सर, जैसे वो कहते हैं ना भी सामने वाले के जो दिल और दिमाग में जो है ना, जी जी वो जी आपने मतलब वो वहां पे जैसे प्रेजेंट किया ना, तो मैं कि यार तो ये मेरी बात ही बात बात कर रहे हैं सुनील जी, तो मैंने जी तुरंत ज्वाइन कर लिया सर आपका। थैंक यू और थैंक यू। हाँ यस सर, तो ये चीज है सर, क्या नाम है, और सर एक चीज एक क्वेश्चन और मेरे आपसे जी, कि जी जैसे आप ये कह रहे हो जैसे फेसबुक पे लिंक्डइन में जैसे आप ना मेटा से पता नहीं किससे आप वो एक साथ सभी पे पोस्ट हो जाए, वो क्या सिस्टम है जी? मेटा बिजनेस सूट यस सर, उसका अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा? नहीं, वो फेसबुक को ही मेटा बिजनेस सूट कहते हैं। ओके सर, हाँ नॉर्मल लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लोग यहाँ पे डालते हैं फेसबुक ऐसे करके, जी फेसबुक फेसबुक डॉट कॉम, फेसबुक यस सर, डॉट कॉम डालते हैं तो नॉर्मल फेसबुक खुल जाता है। हाँ जी, अकाउंट वही होता है। ठीक ओके सर, है, ओके, जैसे हाँ जीमेल का और गूगल का और यूट्यूब का अकाउंट एक ही है ना, यस सर, ऐसे ही फेसबुक का आप यहाँ पे लिख दीजिए मेटा बिजनेस सूट। मेटा बिजनेस सूट, ओके, तो हाँ, तो वो मेटा बिजनेस सूट खुल के आ जाएगा, अकाउंट एक ही है। तो उसमें सभी पे मतलब ये चारों पांचों प्लेटफॉर्म पे एक साथ ही चला जाएगा क्या? नहीं, उसमें जाएगा आपका इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, दो जगह जाएगा। हाँ ये दो तो है ही ऑप्शन सर, जब आप जी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो तो उस पर लिखा हाँ आता है, कभी आप फेसबुक पे भी करना चाहते हो तो उस पर ऑन कर रखो जी। हाँ अब यहाँ पे क्या है कि ना, आप अगले 10 दिन का भी एक साथ कर सकते हो। 10 दिन का पहले से अच्छा ही कर दो आप। हाँ, 10 दिन का पहले से ही कर दो यहाँ पे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ओके ओके सुनील मेहता, मैंने शॉर्टकट बना रखा है सुनील मेहता। ओके सर, अरे प्रवीण जी, दबंग नहीं हूं मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूं। तो यहां पर ये मेटा बिजनेस सूट खुल के आ गया ना। तो यहां पर यस सर, देखिए आप, क्या है ना, आपके पास एक प्लानर है, लेफ्ट साइड में प्लानर। हाँ जी, इससे आप अगले 10 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की, 2 महीने की प्लानिंग करके पहले से ही पब्लिश कर सकते हो। अच्छा उसको छोड़ दो, अपने आप ऑटोमेटिक उसी टाइम पे पब्लिश हो जाएगी, हाँ, जैसे मेरी यस क्लास सर, होती है 7 बजे, तो मैं साढ़े ओके छह बजे पोस्ट कर सकता हूँ कि भाई 7:30 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो मेरे को ओके, हर बार नहीं करना पड़ेगा, मैं आज बैठूंगा और अगले 2 महीने की शेड्यूलिंग आज ही कर दूंगा। ओके सर, तो ओके, टाइम बच गया ना मेरा हाँ जी, और टेंशन खत्म हो गई। तो ये पहले से ही शेड्यूल कर सकते हो आप यहाँ पे, कितने बजे करना है, शेड्यूल पोस्ट, शेड्यूल स्टोरी, रील, सर, लाइव, सब कुछ कर सकते हो आप। अपना ऐड भी ओके, शेड्यूल कर सकते हो आप कि यस उतनी सर, तारीख को ऐड चालू हो जाए, उतनी तारीख को ऐड बंद हो जाए। यस सर, जो बड़े बिजनेसमैन है वो 2 महीने की प्लानिंग करके चलते हैं। यस सर, यस वो ये भी सोचते हैं कि होली आने वाली है तो मैं अभी से क्या क्या कर सकता हूँ। होली पे यस वैलेंटाइन डे आने वाला है, 15 दिन बाद तो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे ब्लॉगर हाँ भी होता है जी ना, तो वो भी ऐसी सोचता है। और जो बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल बिजनेस है, जो आपका बिजनेस है, मैंने बताया TS मदान से मिलता जुलता है, या फिर ओके, सोनू शर्मा से मिलता जुलता है, हर्षवर्धन जैन से मिलता जुलता है। आपको अपने वीडियोस में थोड़ा मोटिवेट भी करना पड़ेगा लोगों को, और थोड़ा सा यस सर, आपने प्रोडक्ट के बारे में बताना भी पड़ेगा।
मैं तो ये कहूंगा अपने प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल मत बताओ, आप ओके सीधा अच्छा सीधा मोटिवेट करो लोगों को, बस मोटिवेट करो और ये बोलो कि सोमवार को शाम को 7 बजे मेरा एक सेशन है जहां पर मैं आपको दोस्तों सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक बेहतर पैसा कमा सकते हैं घर बैठे या पूरी आजादी के साथ। वो जब वो यस उस सर क्लास में आ जाएंगे जूम में, तब आप उन्हें जो मर्जी बता दो, जैसे मैं करता ओके हूं। यस सर ये ज्यादा बढ़िया स्ट्रेटजी है ना। तो डायरेक्ट वहां पे आप बताओगे तो कुछ लोग विरोध भी करने लगते हैं, वहां सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलते रहो तो कोई विरोध ओके नहीं ठीक करेगा, और बात है उनको फिर यस अपने कमरे में बुला के बंद कमरे में जो मर्जी बात कर लो आप। सर यस सर दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, यस राइट। सर यस और कोई क्वेश्चन धर्मेंद्र जी आपका? बस सर एक बार वो दोबारा रिपीट कर दो, जैसे आप कह रहे थे कि उस पे गूगल पे तो आप बाजार डेस्कटॉप के नाम से, और वर्ड प्रेस पे भी बाजार डेस्कटॉप के नाम से या ब्लॉग बाजार उसमें जी देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपको ना खुद को समझना पड़ेगा। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे हाँ मैं जी समझाता नहीं हूँ, मैं दिखाता हूँ, यस सर समझने में तो थोड़ी दिक्कत आएगी। मैं आपको समझाता हूँ कि डायरेक्ट मेरी एक वेबसाइट है सुनील टेम्स, ये जो ठीक है जी वेबसाइट है मैंने गूगल पे बनाई है क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एरर फ्री रहना था और दिखाना था लोगों को अपना पोर्टफोलियो। ठीक है जी ये मैंने एकदम सुंदर बनाया, फिर ये वर्डप्रेस में भी बन जाता है। ओके एक ही कारण है कि वर्डप्रेस में कभी भी एरर आ सकता है, यस सर वो एरर ना टेंशन देता दिमाग में, और इसमें ओके ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं है, सिंपल सा पेज बनाना है जो सुंदर सा दिखे। यस सर आपको लग रहा है ये सुंदर दिख रहा है? हाँ ठीक है सर जानकारी है पूरी अब लोगों को क्या लगता है ना, ये बटन नाचता हुआ आना चाहिए, नाचते हुए बटन से नहीं आता बिजनेस, बिजनेस आता है नहीं सर पोर्टफोलियो से। ये बिल्कुल सर पोर्टफोलियो मेरा यहाँ पे पूरा बना हुआ है, लोग देखेंगे सिद्धार्थ का चेला है, डेरिन हार्डी का चेला है, ब्रांड का चेला है, इसका चेला है, तो कुछ तो दम होगा लोंडे में, है यस ना। सर उसके यस बाद सर मेरा लोगो देखता है, बैग देखता है, स्टूडेंट देखता है, रिव्यूज देखता है, तो उसको फीलिंग आ जाती है। अब जो जो चीजें नाचती हुई आएंगी तब उससे क्या फायदा हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। और संजीव जैन है मेरे कोच हैं, 1,08,000 रुपये लिए थे उन्होंने, तब बताया था कि गूगल पे फ्री में वेबसाइट बनती है, ओके सर 1,08,000 रुपये लेके। तो ये बहुत ज्यादा मेरे गुरु हैं संजीव जैन, जो कि महीने में शायद 20-30 करोड़ रुपए कमाते हैं, उनकी ओके वेबसाइट भी जो है गूगल साइट्स पर बनी हुई है। देखिए शायद मैं आपको ओके दिखा दिखाता हूँ दो जी ना, ये मेरे गुरु हैं संजीव जैन, तो इनसे आप जुड़ेंगे तो ये लेंगे आपसे 4.5 लाख रुपए, ठीक है। ये देखिए इनकी वेबसाइट भी गूगल साइट्स पर अच्छा बनी हुई है जी आज सर ठीक है भी, जी जो महीने के 20-30 करोड़ रुपए कमाते हैं, ठीक है। और मैं इनका चेला, मेरी वेबसाइट भी इसी पर बनी हुई है। अब जो हमारा वर्ड प्रेस है वो मैंने उसके लिए अलग से डोमेन लिया हुआ है, ये बाद में मुझे पता चला कि सारा काम एक ही डोमेन से हो जाता है ये, बट उससे पहले ही मैंने बहुत सारे डोमेन ले लिए थे, जबकि सारी ताकत एक ही डोमेन पे लगानी चाहिए। आपको दो डोमेन कभी नहीं लेने ओके जब ठीक तक कि बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। है ये मेरी वर्ड प्रेस है, यहां पर मैं ब्लॉग लिखता हूँ। इस ब्लॉग को यहाँ लिखने का फायदा क्या होता है, इस ब्लॉग से मुझे एडसेंस की भी इनकम होती है, एड भी आते हैं इस पर, और मेरे को यहाँ से बिजनेस भी आता है। बट मुझे अभी पता चला पिछले एक साल में कि यहाँ से एडसेंस की इनकम पूरी साल में $15 हुई है बस, तो यहाँ से कोई खास इनकम नहीं होती एडसेंस की। तो मैं अब जो मार्केटिंग वाले ब्लॉग हैं अपने, वो भी मैं गूगल साइट पे ही लिखता हूँ मार्केटिंग वाले, जिससे मेरा बिजनेस समझ ग्रो गया सर होता है, तो उनके चक्कर में वर्डप्रेस के चक्कर में नहीं पड़ता मैं। मैं अपने ब्लॉग्स भी यही लिखता हूँ, मार्केटिंग गूगल साइट्स पर दिखा रहा हूँ आपको, कि गूगल साइट पे ही अपने ब्लॉग लिख देता हूँ, या टूल्स, अबाउट, वेबिनार, ज्वाइन माई ट्राइब, इसी के ऊपर बहुत सारे मैंने ब्लॉग लिख रखे हैं। तो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गूगल की जो वेबसाइट है बिल्कुल पर्याप्त है, पूरी तरीके से कोई आपको दिक्कत नहीं आती है इसमें। फिर आती है बात आपके बिजनेस को बड़ा करने की, ठीक है। अगर आपको अपना बिजनेस बहुत बड़ा करना है तो फिर एक नेक्स्ट लेवल के खेल शुरू होते हैं। नेक्स्ट लेवल के खेल में शुरुआत होती है लैंडिंग पेज से, लैंडिंग पेज बनाना है, फिर ईमेल मार्केटिंग करनी है, तो वो वहां से खेल जो है शुरू होता है, जो मैंने आपको बीच में बताया भी था, लिस्ट बनानी है, उनको ईमेल भेजनी है, वो उसके लिए फिर ये छोटा पड़ जाता है गूगल का प्रोग्राम। फिर वो जब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए तो उस संदर्भ में आप उससे बात कर लीजिएगा तो उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है सर राइट। ठीक है ओके थैंक यू सर मोस्ट वेलकम सर जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? और वी आर डन, आर वी डन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। दोस्तों मैं चाहता हूं एक छोटा सा चैलेंज आपको फिर देना चाहता हूं, कि आज सोने से पहले
एक बढ़िया सी वीडियो पब्लिश कर दीजिए आज, एक नेचुरल वीडियो बनाइए सभी लोग, और एक वीडियो यूट्यूब पर पब्लिश कीजिए, और ग्रुप में या मुझे शेयर कीजिए, कहीं पर भी शेयर कीजिए, जिससे मुझे पता लग जाए कि आपने वीडियो बना दिया है। राइट, टाइप कीजिए नो क्वेश्चन। धर्मेंद्र जी ने हाथ खड़ा किया है, वर्मा जी ने दोबारा से किया है कि क्या? धर्मेंद्र जी दोबारा किया है क्या आपने? नहीं सर, उसी टाइम मैंने एंड्रेस किया था, उसी टाइम अच्छा कर अच्छा लिया। ठीक है ठीक है। ओके गाइस देन, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।